जय श्री श्याम दोस्तों, मैं अमित कुमार जोशी आप सभी का आपके अपने आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पेपर है, जो फोर्थ ईयर के अंदर आपका जो नर्सिंग मैनेजमेंट जो आपकी सब्जेक्ट है, उस नर्सिंग मैनेजमेंट का जो क्वेश्चंस पेपर है वो आज अपन डिस्कस करने वाले। जो नर्सिंग मैनेजमेंट का जो पेपर है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपकी फोर्थ ईयर है, उस फोर्थ ईयर के अंदर आपके जो चार सब्जेक्ट है, उस चार सब्जेक्ट में आपका नर्सिंग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, जिस फोर्थ जो आपका पेपर लगता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें से क्वेश्चंस मैं आपको आपके लिए लेके आया हूँ। और जो क्वेश्चंस आपके लिए मैं जो लेके आया हूँ वो क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम पर्पज़ से, जो आपकी एग्ज़ाम होगी मेन एग्ज़ाम, उस मेन एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आप लोगों के लिए सहूलत रहने वाले, ठीक है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने, क्योंकि फोर्थ ईयर में आके सब सुपीरियर हो जाते हैं, तो जिन बच्चों ने अपनी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, तो मैं उन लोगों के लिए जो मतलब वो उनके पास होने के बेस पे अच्छे क्वेश्चंस बना के लेके आया हूँ। और वो क्वेश्चंस उसमें से मैं ज़्यादा नहीं, तो उसमें से 65 से 70% आपके हर जो मैंने पेपर तैयार किया उस पेपर में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। और वो आपकी जो एक अगर अच्छे आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। और नहीं पढ़ रहे तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ो, आप लोगों को बढ़िया पास होने के लिए अच्छा मैटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस श्रृंखला में अपन जो आपके क्वेश्चन पेपर वाली जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। और साथ में आप सभी के लिए जो आपके मैनेजमेंट का क्वेश्चंस है, उस मैनेजमेंट के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप सभी को बताता हूँ कि किस टाइप से आपके लिए हर एक क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। पेपर सॉल्यूशन नर्सिंग मैनेजमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन अपना आता है, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन मैनेजमेंट, सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका। और ये क्वेश्चन आपका 2019 में नहीं आया तो इस साल डेफिनेट आपका चांस है कि ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है आपका डिफाइन मैनेजमेंट, दूसरा डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में डिफाइन करना, और तीसरा एनालिस्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उन फंक्शंस को एनालिस्ट करना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपका हर तरीके से इम्पोर्टेंट है, मेन एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं अपन, सेकेंड क्वेश्चन है आपका डिफाइन कम्युनिकेशन, सेकंड जो क्वेश्चन आपका डिफाइन कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस क्या है उसको डिफाइन करना, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन नर्सिंग, नर्सिंग के अंदर कम्युनिकेशन का कौन कौन से टाइप्स उसको डिस्क्राइब करना, डिस्कस वेरियस ऑफ वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के वेरियर कौन कौन से उनको भी आपको डिस्क्राइब करना है। तो सेकेंड जो क्वेश्चन है वो आपका 2019 में आया था ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, 2019 में क्वेश्चन आया, मे बी ये बार, इस बार भी दोबारा ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है, मे बी चांस है आपका कि ये क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो सकता है। तो एग्जाम पर्पस ही ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बाकी सेकेंड क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो सकता है, मे बी, ठीक है, जहां तक चांस है ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, अगला जो आएगा आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन वो है डिफाइन बजटिंग, ये तो बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजटिंग, बजट के बारे में क्वेश्चंस, तो इस जो बजट वाला जो क्वेश्चन है वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेट पूछा जाएगा, आएगा ये, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा डिस्कस द टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग, बजटिंग के टाइप्स कौन कौन से, प्रिंसिपल्स कौन कौन से है वो क्वेश्चन, और तीसरा आपका डिस्क्राइब एंड अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ बजटिंग, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन मटेरियल मैनेजमेंट, जितना आपका बजट है, ठीक है, उतना मैटर, इन दोनों में से कोई सा भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है बेटा, ध्यान रखना, या तो बजट या मटेरियल मैनेजमेंट, ये दोनों क्वेश्चनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, मे बी दोनों क्वेश्चन ही आ जाए,
ठीक है, बाकी चांस है कि दोनों भी आ सकते हैं और मे भी एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगला डिफाइन मेटेरियल मैनेजमेंट। मेटेरियल मैनेजमेंट क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटेरियल मैनेजमेंट। मेटेरियल मैनेजमेंट की प्रोसेस बताइए। डिस्कस द रोल ऑफ नर्स टू मेंटेन मेटेरियल मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल वार्ड। जो हॉस्पिटल के वार्ड्स होते हैं उसके अंदर जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, आपके जो कंटेंट होते हैं उनको मेंटेन करने में जो एक नर्स है, वो नर्स क्या रोल प्ले करती है डिफाइन मेटेरियल मैनेजमेंट, तो वो आपको डिफाइन करना है। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट, तो बजट और मेटेरियल मैनेजमेंट, इन ये दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन आपका आ सकता है इस साल, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका डिफाइन लीडरशिप। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप क्या, उसे डिफाइन करना। राइट द फंक्शन एंड क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडरशिप। एक जो गुड लीडरशिप होता है, जो गुड लीडर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है। तीसरा एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। जो लीडरशिप स्टाइल्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पे कितने टाइप्स होते हैं आपकी लीडरशिप के, तो वो आपके डिफाइन करना है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पहला डिफाइन सुपरविजन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन। ठीक है, सुपरविजन क्या है और अब इसके प्रिंसिपल्स क्या है सुपरविजन के, ये क्वेश्चंस भी आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं ये कह रहा हूँ बेटा, मैंने जो पेपर आपका तैयार किया है, मैंने जो क्वेश्चंस आपके लिए सेवन क्वेश्चन मैंने आपके लिए तैयार किए, वो सेवन क्वेश्चन एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से आपको मतलब मैक्सिमम नहीं तो आपको आराम से 65 से 70% आपको डेफिनेट उस पेपर आपके जो मेन एग्जाम पेपर है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सुपरविजन क्या है और उसके प्रिंसिपल्स क्या है सुपरविजन के, और दूसरा एनालिस्ट द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सुपरविजन, और गुड जो सुपरवाइजर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक अच्छा सुपरवाइजर कौन होता है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होती है, कैसे वो एक अच्छी तरीके से, आज अपन बात करें हॉस्पिटल के अंदर भी बात करें तो जो आपका नर्सिंग सुपरवाइजर होता है, तो नर्सिंग सुपरवाइजर की क्या क्या क्वालिटीज होती है, कैसे वो हर एक वार्ड को मेंटेन करके चलता है, वहाँ के इंचार्ज से लेकर के वहाँ के स्टाफ सबको वो कैसे किस टाइप से मेंटेन करके चलता है, तो वो सब चीज़ अपन किसके अंदर देखते हैं, सुपरवाइजर के अंदर देखते हैं, सुपरविजन के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेवन्थ नंबर का क्वेश्चन आपका राइट शॉर्ट नोट्स। बेटा ये जो शॉर्ट नोट्स मैंने बताए हैं चार शॉर्ट नोट्स, अपन क्वेश्चन से ये पूछा जाता है राइट शॉर्ट नोट्स यानी फोर, चार क्वेश्चन को, इनमें से कोई चार शॉर्ट नोट्स के बारे में डिफाइन कीजिए। मैंने आपको टोटल 6 आपके शॉर्ट नोट्स तैयार किए। सबसे पहला जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाफ नर्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा, डेफिनेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा? जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाफ नर्स पूछा जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, बहुत ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला एक्रीडेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम का बोल सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन है ना। अगला ग्रुप डायनेमिक्स, अगला रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, ये भी इंपॉर्टेंट, और आपका INC, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट नोट्स में आपके जो 6 शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताए हैं, उन 6 शॉर्ट नोट्स में से मे बी 2 या 3 शॉर्ट नोट्स आपको डेफिनेट मिल जाएंगे है ना। इतने इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने आपकी पूरी जो प्रीवियस एग्जाम थी उस पूरी प्रीवियस एग्जाम के बेस पे कंप्लीट रिसर्च करने के बाद में मैं जो आपके पेपर है उस पेपर को लेके आया हूँ आपके पास में, ताकि आप हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ सको, और जब आपके समझ में आएगा तभी आप उस चीज़ को अपनी कॉपी के अंदर राइट डाउन कर पाओगे, उसको एक्सप्लेनेशंस दे पाओगे। ठीक है, तो टोटल अपने 7 मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैनेजमेंट को, और 7 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो 7 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। उसमें जो आपका पहला क्वेश्चन जो था वो आपकी थ्री स्टेप में ABC, इसी टाइप से आपका पेपर आता है, ABC BC। ठीक है, इसी टाइप से आपका पेपर पूछा जाता है, ABC पहला क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन भी आपका ABC इसी बेस पे होता है, तीसरा आपका क्वेश्चन जो आता है वो भी ABC के बेस पे, और चौथा क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप से आता है, और
पांचवा जो क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो क्वेश्चन वो दो तरीके से देता है। आपके जो पेपर है उस पेपर में आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रॉपर तीन तीन वे से आएंगे भाई। हर एक चीज़ को वो मतलब जस्ट में सिक्वेंस में ए पॉइंट बना दिए कि इसको डिफाइन करो, उसके बाद में उसके प्रिंसिपल्स को है ना, और उसके टाइप्स को डिफाइन करो, लास्ट में क्या रोल है उसको डिफाइन करो। इस टाइप से ए बी सी टाइप में दे दिया। अगला जो क्वेश्चन कैटेगरी का देगा तो वो आपको जहाँ आपको थ्री टाइप में डिवाइड कर रहा था वहाँ अगला जो आपका टाइप आएगा वो दो टाइप में डिवाइड कर देगा इस टाइप से। जैसे मैंने छठवां क्वेश्चन बनाया, ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन में डिफाइंड सुपरविजन, प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन और एनालिसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ गुड सुपरविजन, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके मेन एग्जाम में, ध्यान रखना ठीक है। इस टाइप से थ्री टाइप में हो गया और ये आपके दो ए बी कैटेगरी में हो गया। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन, तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका किस में, शॉर्ट नोट्स बेस पे आएगा ठीक है बेटा। तो ये तो आ गया, ये तो हो गया आपके क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आता है, ध्यान रखो ये फोर्थ ईयर है आप लोगों की बेटा, फोर्थ ईयर जो क्लास है उसमें आपका आपकी अपन बोले तीनों जो आपकी चारों साल जो नर्सिंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फोर्थ ईयर है ना, या तो फर्स्ट ईयर या फिर आपकी फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर कैसे इंपॉर्टेंट, अगर इसमें अगर आपकी कहीं भी किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम हो जाए, बैक हो जाए, तो फिर अपन की लगभग एक साल तक डिग्री, छः महीने तक तो फिर वो डिग्री का रोडर लटक जाता है ना। तो उस चीज़ को देखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन आई होप बढ़िया कर रहे होंगे, और उसी बीच में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो आपको, जो आपकी प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में भी थोड़ी हेल्प करेंगे ठीक है। तो जो सात क्वेश्चन है वो सात क्वेश्चन उसी पर्पज से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अच्छा, अब बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोगों ने तीन साल तक कंप्लीट पेपर दिए है, आप लोगों को पेपर के नॉलेज है किस टाइप से पेपर आता है। मैं और चीज़ बता दूँ, दोबारा डिफाइन कर दूँ कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले जो ऊपर आपकी सुपरफिशियल जो लाइन है ऊपर पेपर पे जब आती है लाइन उसमें पढ़ना है कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से दिया हुआ है। उसमें लिखा हुआ था ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल मार्क्स ठीक है, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, या फिर वो किसी एक क्वेश्चंस के बारे में भी बोल सकता है कि दिस क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। जैसे उसने बता दिया कि भाई आपको आपका जो सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है वो सिक्स नंबर का क्वेश्चन कैसा आपका कंपल्सरी है, आपको अटेम्प्ट करना है ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि कौन सा क्वेश्चन उसने कंपलसरी बोला है, कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट। तो अगर उसने बोल दिया कि सिक्स क्वेश्चन आर कंपलसरी तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है, और उस चीज़ के ध्यान के बेस पे तब आप फिर आपका पेपर कंप्लीट, आप जो पेपर है राइट डाउन करो। तो पहले हड़बड़ाहट मत करना, ध्यान से पेपर देखना और उसके बाद में फिर उसको राइट डाउन करना स्टार्ट करना ठीक है। तो आज अपन अभी इसी श्रृंखला में नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं जो आपके क्वेश्चंस थे। देखो बेटा, मैं आपको जो हर एक जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का मैं ओनली आपको सुपरफिशियल बेस पे मैं एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ, सुपरफिशियल बेस पे मैं आपको केवल पॉइंट्स बाय पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी आपका जो अंदर का जो आपका मटेरियल वो आपको आपके खुद के बेस पे आपके नोट्स है आप सभी के पास में, तो अपने नोट्स के बेस पे ठीक है कंप्लीट तैयार करना है। मैं आपको केवल एक मॉडल बता रहा हूँ कि हाँ इस टाइप से आपको अपने क्वेश्चंस को आंसर, आपका जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है ठीक है। उसी चीज़ को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो ध्यान रखो बेटा कैसे, जब भी आप स्टार्ट करो तो आंसर नंबर फर्स्ट, और आंसर नंबर फर्स्ट में सबसे पहला कौन सा है, तो मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दो उसी की, मैनेजमेंट डाल दी, हेडिंग मैनेजमेंट डाल दी। अब उसके बाद में फिर उसका नॉर्मल आप इंट्रोडक्शन देना चाहते हो तो इंट्रोडक्शन दो, क्या है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज ए कॉमनली टर्म्ड एज फंक्शन विद एंड थ्रो द पर्सनली इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप टू द मैनेज टू रिसोर्सेज और मैक्सिमम टू एक्टिव द ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, मैनेजमेंट क्या होता है, नॉर्मल वर्ड अपन यूज में लेते हैं, इसको भी आप खुद के लैंग्वेज में देखो, मैनेजमेंट अपन वर्ड यूज में लेते हैं। मैनेजमेंट मैनेज मतलब किसी चीज को मैनेज करना, मैनेजमेंट ठीक है। कि आप अपन नर्सिंग फील्ड के बेस पे मैं बताऊं आपको, तो
आप जब आप किसी हॉस्पिटल के अंदर आप वर्क करते हो, काम करते हो एज ए वार्ड इंचार्ज, तो उस वार्ड इंचार्ज का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो अपने हर एक स्टाफ को मैनेज करके चलता है, हर एक स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर को मैनेज करके चलता है, हर एक स्टाफ को उसी शेड्यूल बेस पे अपनी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को क्या करता है वो लगाता है, ताकि जो भी एक सीनियर बेस से लेकर के जूनियर बेस तक का जो पूरा रोटेशन है वो कंप्लीट मैनेज हो सके। ठीक है, तो उस चीज़ को अपन इस मैनेजमेंट के बेस पे ही समझते हैं इस कि जब आप हॉस्पिटल के अंदर हो तो अपनी जो एक वार्ड इंचार्ज है वो इंचार्ज सबसे पहले जैसे जो सीनियर स्टाफ है उस सीनियर स्टाफ की ड्यूटी कंडक्ट करती है, फिर उसके बाद में उसके जूनियर को, फिर उस फिर जूनियर, और लास्ट में जो है वो एक नया स्टाफ है जूनियर, तो उस जूनियर को क्या करती है उस जगह पर ड्यूटी जैसे इवनिंग ड्यूटी में मैनेज करती है। क्यों? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ये सीनियर स्टाफ, यहाँ जो जूनियर स्टाफ अगर इनसे कोई प्रॉब्लम हो तो ये क्या कर सकता है, उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। तो मैनेज का मतलब होता है कि आप कहीं पर भी ड्यूटी करो, ये तो चलो मैंने हॉस्पिटल बेस पे, आप कहीं पर भी जॉब करते हो, कहीं भी आप रहते हो, अपने घर की बात करें अपन, तो घर पर भी अपन एक जो अपना बड़ा एल्डर पर्सन होता है अपना, अपने फादर की बात करें, अपने घर में फादर होते तो वो क्या करते हैं, वो हर चीज को कहां पे कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह किस चीज को अपन को मैनेज, तो वो सब चीज जो मैनेज का काम करते हैं वो सब अपन किसके बेस पे देखते हैं, मैनेजमेंट के बेस पे देखते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट है वो एक इंडिविजुअली, एक पर्सनली या ग्रुप के अंदर टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ मैक्सिमम टू एक्टिवेट ऑब्जेक्टिव, लीडर्स आर डेप्यूटेड टू मैनेज पर्टिकुलर फ्रेगमेंट्स ऑफ ओवरऑल, जो भी ऑब्जेक्ट्स है पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उस ऑब्जेक्ट्स के बेस पे पर्टिकुलरली हर एक बेस पे वो क्या करता है, हर तरीके से मैनेज करता है, अपने स्टाफ को मैनेज करता है, अपने ग्रुप मेंबर्स को मैनेज करता है, अपने जो भी कलेक्ट है उनको क्या करता है वो मैनेज करके चलता है। तो मैनेज मतलब मैनेज करना, ठीक है, किस बेस पे मैनेज कर रहा है वो, फिर वो अपने जो, क्योंकि उसके अंदर एक क्वालिटीज होती है, वो चीज़ अपन देख रहे हैं कि आपके अंदर वो क्वालिटीज है जिस बेस पे आप क्या करते हो हर चीज, हर पर्सन को मैनेज करके चलते हो, तो वो आपका मैनेजमेंट के अंदर देखते हो। तो आपका ये नॉर्मल क्या हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं डेफिनेशन, एक चीज़ बता दूं बेटा, हर एक मैंने तो यहाँ जितने मेरे पास है ये 1-2 ठीक है डेफिनेशन, बाकी जो भी आपका टॉपिक पूछता है वो जो भी क्वेश्चन आपको पूछता है उसके बारे में आपको मैक्सिमम 3 डेफिनेशन लिखनी ही है, ये याद रखना बेटा, 3 डेफिनेशन आपको कंडक्ट करनी, 3 डेफिनेशन आपको राइट डाउन करनी है अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर आपको जिन्होंने डेफिनेशन दी है उनका नाम याद है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर नाम याद नहीं है तो भी आप कोशिश करना कि आप 3 डेफिनेशन लिख सको, तो मैं आपको मैक्सिमम 3 डेफिनेशन तो लिखनी ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे अपन नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की, और मैनेजमेंट की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टैनली वेन। देखो क्या होता है स्टैनली वेन के अंदर, क्या वेन के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ डिटरमाइनिंग द कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है, ऑफ पर्सनल्स इन ऑर्डर टू अचीव द एक्सपेक्टेड गोल ऑफ द मैनेजमेंट, और उस मैनेजमेंट के बेस पे जो भी आपका एक्सपेक्टेड गोल है, मैंने क्या अभी बता रहा था कि एक वार्ड इंचार्ज की बात करें तो वार्ड इंचार्ज का काम क्या है, हर तरीके से हर पर्सनली उस टाइप से अपने स्टाफ को मैनेज करके रखेगी, और उस टाइप से अपने स्टाफ की ड्यूटी रोटेट भी करेगी, ताकि हर तरीके से वो विदाउट उसकी जो एब्सेंस, उस एब्सेंस में भी वो जो उसके वार्ड है उस वार्ड को क्या प्रॉपर तरीके से वो क्या हो मैनेजमेंट या मैनेज हो सके। ठीक है, तो वो सब चीज़ अपन क्या करते हैं इस मैनेजमेंट के अंदर देखते। तो डेफिनेशन किसने दी थी, स्टैनली वेन ने, क्या क्या बताया था इन्होंने कि मैनेजमेंट वो डिफाइन करते हैं अपन एक्टिविटी ऑफ डिटरमाइनिंग द कंट्रोल ओवर द, जो भी पूरी एक्टिविटी उस एक्टिविटी को क्या करना, डिटरमाइन करना, ऑफ पर्सन इन ऑर्डर टू अचीव द एक्सपेक्टेड, जो भी गोल आप चाहते हो ऑफ द मैनेज, उस मैनेजमेंट के बेस पे उस गोल को अचीव करवाना। ठीक है, वो सब चीज आपके मैनेजमेंट के अंदर आता है। दूसरी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू गॉर्जर थेरी, देखो इन्होंने गॉर्जर थेरी, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, जो गॉर्जर टेरी थे उन्होंने डेफिनेशन दी, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज इम्प्लीमेंटिंग स्पेसिफिक फंक्शनल एक्टिविटीज दैट इंक्लूड फ्रेमिंग स्ट्रेटजीज, एक फ्रेम, ठीक है, फ्रेमिंग स्ट्रेटजीज ऑफ प्लानिंग, अब किस किस के फ्रेम,
आपका प्लानिंग। जैसे मैंने बताया था, सपोजली आज नॉर्मल अपन बात करें, सपोजली घर में मैरिज है, है शादी। अब जब घर में मैरिज होती है तो अपन हर चीज़ को मैनेजमेंट के बेस पे देखते हैं। जब मैंने मैरिज है तो स्टार्ट होता है कि कौन सा मैरिज गार्डन होगा, कितने पॉपुलेशंस होंगे, आपने किस किस को इन्विटेशन देना है, ठीक है, फिर वहाँ किस टाइप से आपको मैनेज करना है, खाने का आपका मीनू क्या है, तो वो सब की सब चीज़ आप पहले से ही डिसाइड करके मैनेज करके चलते हो। तो आपकी प्री प्लानिंग, ठीक है, आपके सिस्टमाइजिंग द वर्क एंड सुपरवाइजिंग एंड डायरेक्टिंग द परफॉर्मेंस टू अचीव द गोल्स बाय यूटिलाइजिंग द एडिक्वेट मैन पावर एंड अदर रिसोर्सेज इज नोन एज मैनेजमेंट। तो हर एक आपकी प्लानिंग के बेस पे, आपके पर्पज के बेस पे, ताकि आप हर चीज को पहले से ही ऑर्डर बेस पे मैनेज कर सको, उसको बोलते हैं अपन मैनेजमेंट। ठीक है, आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो ये दो डेफिनेशन तो है ही आपकी, और तीसरी डेफिनेशन और लिखी मैंने मैनेजमेंट की। तो मैंने क्या बोला, मिनिमम आपको मैक्सिमम 3 डेफिनेशन तो राइट करनी ही है बेटा, ध्यान रखना। जो भी आपको टॉपिक पूछो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप 3 डेफिनेशन तो लिखना ही, ये तो याद रखना। तो आपका एक जो पढ़ने वाला है वो स्टार्टिंग में आपके डेफिनेशन ही पढ़ेगा, अच्छी लिखी तो बस आगे फिर वो पॉइंट बाय पॉइंट। और एक चीज, मैनेजमेंट का फंडा एक है, मैनेजमेंट में आप जितने पॉइंट बनाओगे पॉइंट बेस पे फिर उसके अंदर लिखते जाओगे, बेटर रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा बेटर है। आप पॉइंट से याद करो, आपको पॉइंट पता होंगे तो उस पॉइंट के बेस पे आप अंदर अपने बेस पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पॉइंट का खास कर ध्यान रखना है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेनेशंस करना है, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन, अदर डेफिनेशन मैनेजमेंट की, उसमें तीसरी डेफिनेशन सबसे पहले आता है, नर्सिंग मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, जो भी बताया था, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या क्या? प्लानिंग, किसी चीज़ के बेस पे प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करवाना, फिर उसके बाद फिर उसके बेस पे एक्टिविटी करनी है और उसको फिर कंट्रोल भी करना है, प्लान भी करना है ना, और ऑर्गेनाइज भी करवाना है, उसके बेस पे एक्टिविटी भी करनी है और उसे फिर कंट्रोल भी रखना है, पोएक, POAC, प्लान, ऑर्गेनाइजिंग, एक्टिविटी एंड कंट्रोलिंग मैनेजर फंक्शंस ऑफ नर्सिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एकम्प्लीस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नर्सिंग केयर, जिसमें आप हर चीज को हर तरीके से मैनेज करके चलते हो, ठीक है, जिसमें आप पेशेंट केयर भी होगी आपकी, जो आपका वार्ड का है वो उस वार्ड के अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग भी होगी, आप उस वार्ड के अकॉर्डिंग अपने हर चीज़ को, स्टाफ का मैनेजमेंट भी हो गया, सब कुछ आपको इस लेवल पे चलना, ताकि हर एक चीज़ आप आपकी एब्सेंस के अंदर हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, मैनेज हो सके, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो मैनेजमेंट समझ में आया, मैनेजमेंट क्या है, किसी भी चीज को मैनेज करना, ठीक है, किस किस के बेस पे, अपने प्लानिंग के बेस पे, अपने ऑर्गेनाइजिंग के बेस पे, अपने एक्टिविटी के बेस पे और अपने कंट्रोलिंग के बेस पे, उसको चीज को क्या कर रहे हैं अपन, मैनेज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या कहा, 3 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ध्यान रखना बेटा, 3 डेफिनेशन, ठीक है। अगला अपन देखते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है बेटा, मैंने आपको पहले बोला था, मैं केवल आपको एक कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है, बस वो चीज़ मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट बाय मैंने जो चीज़ आपको बताई है वो केवल एक सिस्टमेटिक बेस पे बता रहा हूँ, बाकी आपके पास जो आपके नोट्स है उन नोट्स में से आप पूरा कंप्लीट अपने उस बेस पे, वहाँ पे मैं तो बस पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता जा रहा हूँ, बाकी आप अपने नोट्स में से कंप्लीट पढ़ते जाना, देखते जाना कैसे किस चीज़ को कैसे टाइप से मैनेज करना है, किस टाइप से आपको आंसर पुटअप करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल बात करें तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है आपका। फ्योल्स जो है उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, कितने? 14 प्रिंसिपल्स, जो आपके फॉयलेस थे उन्होंने कितने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट को। में सबसे पहला यूनिटी ऑफ कमांड, आपकी बिल्कुल आपकी अच्छा एक मैनेजर कौन होता है, मैनेजमेंट करने वाला एक ऊपर मैनेजर बोलते हैं, है ना। तो अच्छा मैनेजर कौन होता है,
अच्छा मैनेजर वो पर्सन होता है जो पर्सन अपनी कमांड, जो भी उसकी कमांड है, जब आपको वो कोई कमांड दे तो उस कमांड के अकॉर्डिंग आपका हर काम उसी सूटेबल बेस पे हो सके, वो एक अच्छा मैनेजर होता है। होता है ना, आपने जो भी कमांड दी, आपने जो भी उनको वर्क दिया, वो वर्क प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर शेड्यूल से, प्रॉपर वेस पे आपका कंप्लीट करके देगा, तो वो आपका क्या रहेगा, गुड मैनेजमेंट रहेगा। क्या रहेगा? गुड मैनेजमेंट रहेगा। तो जो आपके फेलोस थे उन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए, उसमें सबसे पहला यूनिटी ऑफ कमांड, आपकी कमांड का अकॉर्डिंग यूनिटी होनी चाहिए। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बिल्कुल स्ट्रिक्ट आपकी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन भी होना चाहिए। अब इनके बारे में आप लिखना भी है अंदर। बेटा मैं क्या कहा अभी, मैं केवल पॉइंट पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी फिर आपको अंदर आपके बेस पे आपको लिखना भी है कि हर जो आपका अभी जैसे मैंने बताया कमांड, तो आपका जो एक मैनेजर वही होता है जो आपकी कमांड जो दे उस कमांड के अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर टाइम पे, प्रॉपर हर एक बेस पे अपने जो वर्क है उस वर्क को कंप्लीट करके आपके सामने सबमिट करवाए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अंदर भी लिखना है। मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को स्ट्रिक्ट मेंटेन है ना, डिसिप्लिन वाला होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, डिविजन लेवल, लेवल के अकॉर्डिंग सोचने समझने वाला। भाई एक अच्छा मैनेजर कौन होता है, जो अपने लेबर को, जो अपने नीचे जो काम करते हैं, है ना, तो उन अपने नीचे अंडर काम करने वाले हर एक लोगों को क्या कर सके, मैनेज करके चले, हर एक तरीके से उनकी हेल्प कर सके। नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, है ना, और रिम्यूनरेशन मतलब प्रॉपर तरीके से वो आपको एक एक्सप्लेनेशन बेस पे होना चाहिए, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। नेक्स्ट अपन बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग यूनिटी होनी चाहिए। अगला सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू द इंटरेस्ट टू द कॉमन गुड, बिल्कुल जो भी आपका कॉमन गुड है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉपर तरीके से हर एक पर्सन का इंटरेस्ट होना चाहिए। अच्छा, जिसको इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपने आपकी जो यूनिटी है, आपकी जो ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आपने एक ऐसे पर्सन को भी ऐड कर रखा है जो पर्सन आपके उस पर्टिकुलर वर्क के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, अगर उसका इंटेंस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑटोमेटिक फिर आपका जो काम एक प्रॉपर टाइम से, प्रॉपर शेड्यूल से होना चाहिए था, वो प्रॉपर टाइम शेड्यूल से नहीं हो पाएगा। तो उस चीज़ को भी आपको मैनेज करके चलना, उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि आप जो जिससे भी जो वर्कआउट जो काम करवा रहे हो, वो काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, कौन कितना इंटरेस्ट ले रहा है, वो भी चीज़ आपको देखनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, बिल्कुल होना चाहिए, रेट से होनी चाहिए, आपकी हर एक जो भी आपकी डिमांड है उस डिमांड के लेवल पे आप कंप्लीट उसे जो भी काम है वो काम कंप्लीट करवा सको, आपका ऑर्डर भी फॉलो कर गए, आपके अंदर एक इक्विटी भी होनी चाहिए और एक स्प्रिट डिकॉप्स भी होना चाहिए, ताकि हर एक पर्सन को आप क्या कर सको, उस पर प्रॉपर तरीके से कमांड करके प्रॉपर तरीके से उनको मैनेज कर सको। तो ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, जो जिस प्रिंसिपल के बेस पे आप क्या करते हो, आपके जो एक मैनेजमेंट होता है उस मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो। तो ये क्या है आपके मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो अब बाकी पॉइंट्स हो गए, अब इनके अंदर आप लोग बेटा पहले पॉइंट्स कर लो, फिर उसके बाद इनके अंदर एक एक पॉइंट्स के अंदर आप लिखते रहना, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला आता है आपका फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर वही फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पोस्ट कॉर्व, सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सिंपल याद करने का तरीका, पोस्ट कॉर्व। ठीक है, पी पोस्ट कॉर्व, पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सीओ कोऑर्डिनेटिंग, आर कोऑर्डिनेटिंग, और बी आपका बजटिंग, पोस्ट कॉर्व सी ओ आर। ठीक है, तो पोस्ट कॉर्व कोऑर्डिनेटिंग, सी ओ आर कोऑर्डिनेटिंग, सी ओ आर कोऑर्डिनेटिंग, और बी बजटिंग। तो ये प्रॉपर आपका क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, पी प्लानिंग, ओ ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टाफिंग, डी डायरेक्टिंग, सी ओ आर कॉर्व यानी कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग, और बी मतलब बजटिंग। तो ये प्रॉपर तरीके से आपके टोटल क्या है, फंक्शंस ऑफ, आप इनके अंदर आपको अपने बेस पे लिखना, प्लानिंग के अंदर कैसे किस टाइप से आपको प्लान करना है, कोई भी चीज़ आप सेटअप कर रहे हो तो उस सेटअप को किस टाइप से आपको ऑर्गेनाइज करके, और किस टाइप से आपको सबसे पहले तो प्री प्लान करो। जैसे मैंने बताया था मैरिज है, अभी मैं आपको बोल रहा था कि आप मैरिज है, तो उस मैरिज के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपन क्या करते, प्लान करते हैं
ठीक है कि भाई इतने सबसे पे बात वहीं से स्टार्ट हो जाती है, कहाँ से कि भाई इतने तो आपको कार्ड 250 कार्ड छपवाने हैं शादी के, है ना, 250 कार्ड छपवाने। और जो 250 कार्ड आपने छपे, अब किन किन लोगों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, किन किन लोगों को आपको बुलाना है, फिर कहाँ कौन सा मैरिज गार्डन में आपने किया है वो प्लानिंग बेस पे, फिर उसको ऑर्गेनाइज करवाना वहाँ जा करके, फिर कौन कौन सी चीज़ें, फिर हलवाई वगैरह आप वो, तो उसी बेस पे, मतलब एक मेरा एग्जाम्पल उस बेस पे फिर अपन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, फिर कौन कौन लोग उस चीज़ में, भाई अकेला तो कर नहीं पाता है ना, अगर कोई मैरिज फंक्शन भी है तो अकेला तो फैमिली को और भी लोग होते हैं जो सब इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको भी फिर उनको डायरेक्ट भी करना होता है, जो एक पर्सन होता है मेन पर्सन वो क्या करता है, उनको डायरेक्टरी करता, डायरेक्ट करता है कि हाँ भाई इस टाइप से ये लोग ये काम करेगा, ये लोग ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करता है, कि हर चीज़ को मैनेज कर सके, कोऑर्डिनेट भी करना है आपको, देखना भी है, और लास्ट में आपको हर चीज़ को बजट के बेस पे कंप्लीट करवाना। तो ये आपके क्या है, कुछ आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। तो ये तरीका है बेटा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और हर चीज को आप ऊपर, जैसे मैंने किया ना, सबसे पहले आपने, जैसे आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया, मैंने क्या बताया, पहले लिखा आपने आंसर नंबर फर्स्ट, लिख दिया आंसर नंबर फर्स्ट, टॉपिक का नाम अच्छी तरीके से पूरा बढ़िया कैपिटल लेटर में टॉपिक का नाम डाल दो, बस डाल दिया, वो लाइन छोड़ दो, अगली लाइन में इंट्रोडक्शन डाल। अगर आप डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो तो डेफिनेशन डालो, और अगर आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया तो इंट्रोडक्शन डालो, डालो वो लाइन छोड़ दो, और फिर उसके बारे में इंट्रोडक्शन आपने डाल दिया, दे दिया। इसके बाद में अगले बार अगले उस पर आ जाओ, जब आप नेक्स्ट पे आओगे तो डेफिनेशन, डेफिनेशन आ गई, छोड़ दो वो लाइन, और फिर जितने जैसे जिस बेस पे आपने जो आप डेफिनेशन देना चाहते हो उस बेस पे आप अपने डेफिनेशन स्टार्ट करो, कर दी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट में आप जितने, आप तीन डेफिनेशन मैंने बताया आपको, मैक्सिमम आपको थ्री डेफिनेशन देनी है, क्योंकि मैनेजमेंट है इसमें तो आपको डेफिनेशन देनी ही पड़ेगी, ध्यान रखना, अच्छे नंबर चाहिए तो तीन डेफिनेशन आपको याद करनी ही है, ये याद रखना। जैसे नर्सिंग की तीन डेफिनेशन याद करी थी ना, ऐसे ही मैनेजमेंट के हर टॉपिक की, मैनेजमेंट की ही नहीं बोल रहा मैं, मैनेजमेंट का जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के बारे में तीन तो आपको मैक्सिमम डेफिनेशन से याद करनी ही है बेटा, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रख लेना, है ना। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में डेफिनेशन अपन कर ली, डेफिनेशन के बाद में नेक्स्ट अपन आते हैं, फिर अब वही बात, अब डाल दो हेडिंग, वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे मैंने हेडिंग डाली एक बढ़िया से पेज, सुंदर सी लैंग्वेज में पेज में डाल दी, फिर उसके बाद में फिर किस किसने किसने दी थी वो चीज़ डाल के, फिर जो जो टाइप है वो टाइप डाल दो, और फिर उसके बाद में उसका फिर लास्ट में एक्सप्लेनेशन करते जाओ कि हाँ भाई इसने ये दी थी, इसने ये चीज़ कहा, और इसमें ये चीज़ होती है, इसमें ये चीज़ समझाते हैं अपन इसके बेस पे, ताकि वो चीज़ आपका जो क्वेश्चन है, मेन पर्पज़ मेरा इस जो ये पेपर है उसका समझाने का मेन पर्पज़ ये है कि आप हर क्वेश्चन को किस टाइप से आपको अटैम्प्ट करना है, और किस टाइप से आपको अपना उस क्वेश्चन को कम्प्लीट करना है, ठीक है। तो इस टाइप से अपन को देखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब ये हो गया आपके फंक्शन, अगला टॉपिक पूछ रहा था फंक्शन, तो फंक्शंस के बारे में बता दिया कि ये फंक्शंस होते हैं, अगला आपने किसके बारे में, फंक्शन के बारे में बता दिया कि भाई ये फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट अपन अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। मैंने बताया ये चीज़ तो केवल टॉपिक है जो आपको याद रखने के, इस टाइप से आपको, बाकी इनके अंदर सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक एक चीज़ को तो मैं लिख नहीं पाऊँगा, बहुत ऐसे एक क्वेश्चन में ही लगभग ज़्यादा नहीं तो कम 30 स्लाइड बढ़ जाएगी, तो मैं तो केवल आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन पुटअप करना है, बाकी आपके अंदर इसके जो अंदर है वो तो आपको फिर अपने बेस पे, आपके नोट्स हैं, नोट्स आप सब रेफर करते हो तो नोट्स के अंदर से पढ़ करके फिर वो चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, आपके कॉपी के अंदर राइट डाउन करना है। सेकेंड आ जाते हैं अपन, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो वही बेस्ट जो अपन चल रहे थे वही चीज़ दोबारा रिपीट करते हैं, आंसर नंबर टू, पहले वही चीज़ करनी है, क्या क्या लिखना है, आंसर नंबर टू। अब आंसर नंबर टू लिखने के बाद में फिर टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन, टॉपिक क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन टॉपिक को वही ऊपर ऊपर जैसे आंसर टू लिखा उसके जस्ट थोड़ा सा दूर आप उस टॉपिक को बड़े कैपिटल अक्षर में ढंग से लिखो, है ना, और उसके बाद में फिर आ जाओ नीचे। जब आप नीचे आओगे तो वहां पे फिर आपको जैसे मैंने बताया था वहां आपको इंट्रोडक्शन लिखना, यहां सीधे डेफिनेशन लिख दो, डेफिनेशन डिफाइन करी। अब डेफिनेशन में कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, तो अपन फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे, फंडामेंटल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा,
सेकेंड ईयर के अंदर अपन ने सीईटी के अंदर पढ़ा, थर्ड ईयर के अंदर अपन साइकेट्रिक के अंदर पढ़ते अपन थर्ड ईयर के अंदर है ना, साइकेट्रिक के अंदर, और फोर्थ ईयर में मैनेजमेंट के अंदर अपन पढ़ते। तो अपन चारों साल से कम्युनिकेशन को पढ़ते आ रहे। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन क्या है, आपके आइडियाज, आपके जो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, उनको क्या करते हैं अपन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफर या उन पर्सन के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं, उसे बोलते हैं अपन कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी दो डेफिनेशन और आप अपने बेस पे बना करके, और आपको मैंने कहा तीन डेफिनेशन तो बनानी है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं अब डेफिनेशन के बाद में। नेक्स्ट अपन देखते हैं अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन पूछा उसने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले देखो ओनली मैं वही हेडिंग है ना, बाकी अंदर से आप अपने अपने बेस पे लिखते ना। हेडिंग में सबसे पहला नंबर वन, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल के बेस पे जो कम्युनिकेशन है वो कितने टाइप का, तीन टाइप का होता है। पहला इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल ए आपस में एक दूसरे से, ग्रुप कम्युनिकेशन एक ग्रुप के अंदर है ना, मास कम्युनिकेशन, मास मीडियम के बेस पे आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका तीन कम्युनिकेशन। दूसरा आ जाता है आपका वेस्ट ऑन मीडियम यूज इन मैसेज, जो भी आप मीडियम यूज ले रहे हो मैसेज को ट्रांसफर करने के लिए, उसके बेस पे होता है वो। देखो उसके बेस पे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, मुंह से बोल करके, लिख करके, पढ़ करके बताना, और नॉन वर्बल अपने जो फेशियल एक्सप्रेशन के बेस पे आप डिफाइन कर रहे हो, वो आपका कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगला अपन देखते हैं तीसरा टाइप, बेस्ड ऑन, तीसरा आपका कौन सा है, बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसके बेस पे कौन कौन सा कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, वन वे। दूसरा टू वे कम्युनिकेशन, तीसरा वर्टिकल और फॉर्मल कम्युनिकेशन, और हॉरिजॉन्टल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये टोटल चार टाइप के। ठीक है, अब इनके बारे में आपको कंप्लीट एक्सप्लेन खुद के बेस पे कंप्लीट करना है। ठीक है बेटा, ध्यान समझ में आया। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हो गए, कम्युनिकेशन के अपन चार, अपन ने मेनली थ्री टाइप्स देखे, और थ्री टाइप्स के बेस के अंदर फिर सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप था नंबर ऑफ पीपल के बेस पे, उसमें तीन टाइप देखे। सेकंड जो टाइप था उसमें दो टाइप देखे, और जो आपका थर्ड टाइप था उसके अंदर अपन ने कितने, चार टाइप देखे। तो इन चारों टाइप को भी आपको फिर अंदर एक्सप्लेन करना है क्या क्या चीज के अंदर होती है। ठीक है, मैं बस आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूँ, इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन मैंने आंसर पुटअप करना है। ओके ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप तो फोर्थ ईयर में हो, वैसे भी सीनियर हो, सुपीरियर सीनियर हो, तो आपको पता ही है कि किस टाइप से क्वेश्चन मैनेज करते हैं। तो मैंने जो क्वेश्चंस दिए वो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ किस टाइप से आपको क्वेश्चंस को आंसर को पुटअप करना है। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, अगला आ जाता है वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इसी क्वेश्चन का तीसरा टॉपिक वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी टॉपिक आप स्टार्ट करो बेटा, ध्यान रखना, जो भी टॉपिक आप, क्योंकि मैंने क्या कहा था, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो ए बी और सी इस टाइप से पूछते हैं है ना। ए सबसे पहले कम्युनिकेशन, ए कम्युनिकेशन लिखा डाला, ए टाइप कम्युनिकेशन और छोड़ दिया वो आंसर। ठीक है, आंसर डाला पहले, तो आंसर नंबर टू ए पॉइंट कम्युनिकेशन, ये लाइन छोड़ दी। अब यहां से लिखना स्टार्ट करो डेफिनेशन, जो भी आप लिख रहे हो वो लिखना स्टार्ट करो। बी, बी पे आ जाओ, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसे डालोगे आप, ऐसे लिखोगे तो डेफिनेट जो पढ़ने वाला जो एग्जामिनर है वो बहुत अच्छी तरीके से, अंदर कुछ नहीं पड़ेगा, बस आपके पॉइंट से पॉइंट देख लेगा तो भी बेटर है उसके लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, तीसरा अपन आ जाते हैं वेरियर। फिर टाइप्स कम्युनिकेशन कंप्लीट हो, उसके बाद में सी हेडिंग डालो और वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन। लेकिन बेटा ध्यान रखना, हर चीज को ढंग से एक्सप्लेन करना है, हर चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना, ताकि पढ़ने वाले के समझ में तो आए कि हाँ आप क्या लिखना चाह रहे हो। कई मैंने बहुत सारे देखे, कम्युनिकेशन लिख दिया, वही मतलब जैसे डेफिनेशन कंप्लीट हुई उसके जस्ट उसी के पास में उसके मतलब कोई है ना, बी पॉइंट डाला कुछ डाला और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डाल दिया, पता ही नहीं चला कहाँ तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है, कहाँ से टाइप स्टार्ट हो रहे। ऐसे मत करना, ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है। ऐसे मत करना कि पता ही ना चले कि कहाँ तो डेफिनेशन कंप्लीट हो, कब से टाइप स्टार्ट हो गए। आपको बढ़िया, आपके पास 40 पेज की कॉपी है,
प्रॉपर तरीके से आपको यूज़ लेनी है, प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज़ को मेंटेन करके चलना ताकि आपका आंसर एक अच्छे लुकिंग वाइज आंसर लगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तीसरा अपन क्या देख रहे हैं, वेरियर। वेरियर का सब पता है, फिजिकल वेरियर होता है, लैंग्वेज वेरियर, कल्चरल, जैसे आपका रिक्रिप्शंस, इंटरपर्सनल कन्फ्यूजन, इमोशनल चैनल है ना, और स्टेरोटाइपिंग और फीडबैक प्रॉब्लम्स, ये सारे के सारे कुछ बैरियर्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन, जो आप प्रॉपर तरीके से अपन किसी भी बात को एक दूसरे के सामने अपन जो भी कम्युनिकेट करते हैं, जो भी बातें करते हैं, या फिर जो भी आपका मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, तो उस मैसेज फॉरवर्ड के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके वेरियर्स है, 10 वेरियर, और इनके बारे में फिर आपको एक एक के बारे में डिफाइन करना है, फिजिकल वेरियर क्या है, कल्चरल क्या है, और इंटरपर्सनल क्या है, कन्फ्यूजनल क्या है, इमोशनल क्या है, चैनल क्या है, इनके अंदर आपको डिफाइन करना है। तो इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन पुटअप करोगे तो डेफिनेट आपका आंसर जो होगा इम्प्रेसिव होगा, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। सामने वाला जो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन को देख करके, नहीं यार लड़के ने मेहनत की है, अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया, डेफिनेट इंप्रेसिव रहेगा, ये ध्यान रख लेना। तो बेटा क्वेश्चन पुटअप करो, आप मेहनत भी कर रहे हो, क्वेश्चन पुटअप भी कर रहे हो, लेकिन जब वो जो आप लिखने का तरीका, वे ऑफ राइटिंग आपकी अगर सही नहीं है, तो आप कितनी मेहनत कर लो, कितने भी आप पढ़ लो, ठीक है, तो वो जो आपका जो एक मैं पास ही नहीं कर रहा, वो आपका जो एक्सपेक्टेड होता है कि यार मेरे इतने नंबर आने चाहिए, इतने नंबर, तो वो मार्क्स कटने का तरीका कारण यही है कि आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर जिस बेस पे वो मांग रहा है ना, उस बेस पे आप उसको आंसर पुटअप नहीं करते, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अगला आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो वही चीज, आंसर नंबर थर्ड डाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बजटिंग। तो हेडिंग डाल दी बजटिंग। अब बजट तो सब जानते ही है, बजट देखो बजटिंग सबसे पहले वही चीज जो मैंने बता रहा था आपको, या तो डेफिनेशन डालो नहीं इंट्रोडक्शन डालो। सबसे पहले इसमें है इंट्रोडक्शन क्या है, द टर्म बजट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड बजटी, इसको इसका इंग्लिश वर्ड से बजटी से लिया गया है, वर्ड विच मीन, जिसका मतलब होता है सेक या पाउस मतलब किसी चीज को अपन बोलते हैं कि कवर करके रखना, या फिर बटुए के रूप में रखना, ठीक है। द ऑफिशियल पेपर, जो भी आपके ऑफिशियल पेपर, उस पेपर को आप क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं, बचत करके रखते हो, अपन बोल सकते हैं कि एक किसी चीज के अंदर अपन फिल करके रखते हैं, ठीक है। तो उस वर्ड से लिया हुआ वर्ड है आपका बजटी से, ठीक है, कौन सा वर्ड, बजटिंग है ना। अब आप बात करते हैं डेफिनेशन, तो बेटा वही चीज थी डेफिनेशन, पास होने का अच्छा और क्वेश्चंस का ढंग प्रॉपर तरीके से आंसर देने का बढ़िया तरीका है, तीन तो डेफिनेशन याद करनी ही है। मैंने देखो इसमें कितने डेफिनेशन बनाई। डेफिनेशन सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टॉयलर के अकॉर्डिंग जो आपकी बजटिंग डेफिनेशन, वो क्या है, बजटिंग इज ए फाइनेंशियल प्लान, बिल्कुल आपका फाइनेंशियल प्लान है, ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए डेफिनेट पीरियड। जो भी एक गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, एक पर्टिकुलर पीरियड के अकॉर्डिंग क्या करती है, एक बजट पेश करती है, एक बजट प्लान करती है, जिसमें फाइनेंशियल वेस पे कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग इतना बजट इसको मिला है, इस जो भी मतलब कोई भी ग्रुप्स है, तो उस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इस ग्रुप्स को इतना बजट पास हुआ है, इतना, तो वो क्या क्या होता है, बजट एक फाइनेंशियल बेस पे कंडक्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के द्वारा, और जो उस एक जो टाइम कंज्यूमिंग जो पीरियड होता है, उस पीरियड के अकॉर्डिंग कंडक्ट किया जाता है। जैसे एक साल का बजट पास होता है, भाई एक साल में 50 करोड़ रुपए इसको इधर जो भी आपके ग्रुप है इस कंपनी को मिले, और जो भी इसका काम है वो काम फिर इस बेस पे कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ अपन किसके अंदर देखते हैं, बजटिंग के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट दूसरी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू एच एम डोनोवेन। देखो पहले डेफिनेशन होगी, दूसरी डेफिनेशन, बजटिंग इज ए कंसिडर्ड प्रिसाइज पिक्चर ऑफ द टोटल ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइजेज इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। यानी कि जो भी आपका एक सेटअप होता है, आपका एक पूरा पिक्चर है, आपके पूरे एक माइंड में जो पूरा सेटअप है, उसके बेस पे अपन क्या करते हैं, कंप्लीट, जैसे सपोजली मुझे कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है ना,
या फिर मैं कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई नया सेटअप स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए तो हर कोई सोच लेता है, लेकिन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देखता है बजट। सबसे पहले देखता है कि अपने पॉकेट में है कि नहीं मनी। अगर पॉकेट में मनी होगी तो ही तो आगे कोई भी काम होगा वो काम अपन कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टाफिंग पैटर्न बाद में, पहले तो बजट देखते हैं अपन कि हाँ ये बजट तो इतना कि भाई मुझे इतने इतना बजट चाहिए और इस बजट पे मैं इस कम जो भी अपने कोई भी मेरा जो अचीवमेंट है, कोई मेरा गोल है, उस गोल को मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो वो सब चीज़ अपन इस बजटिंग के बेस पे कंडक्ट, इस बजटिंग बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके डेफिनेशंस। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते, देखो मैंने दो डेफिनेशन दी आपकी, तो आपको मिनिमम 3 डेफिनेशंस तो देनी है, ध्यान रखना। एक डेफिनेशन अपने नोट्स में है तो वहाँ से आपको 3 मैक्सिमम डेफिनेशन तो लिखनी है। मेरा दोबारा मैं बार बार यही रिपीट करूँगा कि आपको मैक्सिमम 3 डेफिनेशन देनी ही है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग। बजटिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से है, तो प्रिंसिपल के अंदर शुड प्रोवाइड साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाई द फोकसिंग ऑन रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइज। बिल्कुल, आपका जो फाइनेंशियल्स है उस फाइनेंशियल्स को देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे कि हाँ भाई इस बजटिंग के बेस पे कि हाँ कि आपका जो जो भी ऑर्गेनाइजिंग है वो कितना फाइनेंस करके और किस बेस पे अपने जो भी आपका वर्कआउट है उस वर्कआउट को कंप्लीट करवा रही, तो वो चीज़ देखी जाती है। दूसरा, शुड फोकस द ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइज। बिल्कुल, ये जो आपका बजट है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स है ना, और आपके जो प्लान्स होते हैं, आपकी पॉलिसीज ये होती है उसके भी क्या करती है, उसके बेस पे ही कंडक्ट की जाती है। अगला, शुड एंश्योर द मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्स है, बिल्कुल भाई जितना आप इनपुट दे रहे हो ये तो पता है, जितना अपन इनपुट देते हैं अपन को अपन क्या अचीव करते हैं कि उतना मुझे आउटपुट भी मिले, तभी तो आपका बैलेंस हो पाएगा। भाई आप किसी चीज़ के लिए 100 रुपये लगा रहे हो तो ज़्यादा नहीं तो आपको 120-130 रुपीज़ तो अपन सब एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इतना तो मिलना चाहिए था कि जो मेरा जो मेरी लगी थी लागत जो लगी थी वो तो निकले, उसके साथ साथ में कुछ सेविंग्स भी आए ताकि मैं आगे वाला काम भी कोई नया काम है वो मतलब जो इसमें कुछ नई चीज़ें हैं वो नई चीज़ें और एड कर सकूं, है ना, ऐसे सोचते हैं। तो वो चीज अपन बजट के बेस पे देखते हैं। नेक्स्ट, प्रोग्राम एक्टिविटी शुड बी प्लान इन एडवांस। एडवांस यानी कि जो भी प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम एक्टिविटीज है वो भी क्या करते हैं अपन प्लान करते हैं एडवांस के अंदर, बिल्कुल, ताकि कोई भी प्रोग्राम है भाई अगर बजट नहीं है तो कोई आप प्रोग्राम का कोई भी प्रोग्राम आप स्टार्ट करने वाले हो, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर बजट नहीं है तो आप ना तो कोई नई चीज़ ऐड कर पाओगे ना उसके बेस पे अपना कोई नया प्रोग्राम सेटअप कर पाओगे, बजट के बेस पे सब कुछ कंप्लीट हो पाता है, तो वो चीज़ भी अपन इसके दिन देखते। दूसरा, शुड इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशिंग ए फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन एंड एवेल्युएट मैनेजरियल परफॉर्मेंस। जो आपका मैनेजर डिसीजन है और आपका जो परफॉर्मेंस है उसको को भी अपन इसके अंदर एस्टेब्लिश करते हैं, किसके अंदर, इस बजटिंग के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपने जो प्रिंसिपल्स है वो प्रिंसिपल्स लेवल देखते हैं अपन, ठीक है। अगला आ जाता है अपना टाइप्स ऑफ बजट। बजट के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बजट के अंदर देखो मैं केवल पॉइंट्स बता रहा हूँ, अंदर आपको लिखना है ना। इंक्रीमेंटल बजट होता है, प्रोग्राम बजट, ओपन एंडेड बजट, फ्लेक्सिबल बजट, जीरो वेस्ट बजट, सेल्स बजट और रोल ओवर बजट, प्रोडक्शन बजट, परफॉर्मेंस बजट और केस बजट। ये टोटल 10 टाइप के आपके बजट्स होते हैं जिनके बेस पे अपन क्या करते हैं, जो भी आपका परफॉर्मेंस लेवल होता है, जो भी आपके कोई भी आपकी जो कोई नया सेटअप आपका है या फिर कोई नया आपका कोई प्रोग्राम है, नई चीज़ आपको स्टार्ट कर रहे हो तो उस चीज़ को आप इस बेस पे कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ बजट है जो कि आपको आपके नए सेटअप के अंदर आपको ध्यान रखना होता है। तो ये आपका टाइप, ये बजट वाला टॉपिक आपका कंप्लीट। मैंने बस ओनली मैं क्या कहा भाई, मैं आपको केवल टॉपिक ओनली उस चीज़ के बेस पे समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन किस टाइप से पुटअप करना है वो चीज़ में समझा रहा हूँ, ठीक है। और भी आएंगे आपके ये पूरा क्वेश्चन, मतलब केवल मैंने तो आपको ओनली बेस बताया कि हाँ इस टाइप से आपको कंडक्ट, आप इस टाइप को आपको पुटअप करना है बस, ठीक है। बाकी अंदर और भी लिखना है आपको, बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, वो चीज़ आप कंटिन्यू अपने नोट्स और नोट्स में से देख करके लिखते जाना। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बजट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन आ जाते हैं और वो क्वेश्चन है आपका, वो इसी में अगला टॉपिक जो आपका आ जाता है वो है आपका एडवांटेज ऑफ बजटिंग प्रोसेस। एडवांटेज और डिसएडवांटेज दो पूछा था, तो एडवांटेज क्या क्या एडवांटेज है, सबसे बड़ा एडवांटेज तो देखो नॉर्मल अपन बोलते हैं, अगर बजट है और आपके
वैल्यूएबल बजट है, आपने कोई नई चीज़ सेटअप की है, नया चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास वैल्यूएबल बजट है, तो आप अपने जो भी आपका नया सेटअप है उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वेज पे विद स्टाफिंग हर चीज़ को आप मैनेज कर पाओगे। पहली बात है तो सब जानते हैं अपन, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आज के टाइम में तो आप मैनेज नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को मैनेज करने के लिए पैसे की ज़रूरत है, रोकड़ी की ज़रूरत होती है ना, और जब रोकड़ी होंगे पैसे होंगे तो आप कोई भी चीज़ है, अगर नया सेटअप आप स्टार्ट कर रहे हो या पुराने कोई आप नई चीज़ के अंदर मॉडिफाई कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट, आपको बजट की रिक्वायरमेंट। तो एडवांटेज क्या है, आपको हर चीज़ को मैनेज करने की क्या मिल जाती है, पावर। पैसा है तो पावर है, आपको पावर मिल जाती है। देखो एडवांटेज कहते हैं बजट हेल्प प्लान फॉर डिटेल प्रोग्राम एक्टिविटीज, इट हेल्प फिक्स अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल ठीक है, इट एनकरेज मैनेजर्स टू मेक ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन एंड वेस्ट डिसीजन आफ्टर केयरफुल आइडियाज, बिल्कुल जो भी आपका आइडियाज उसके अकॉर्डिंग वो अपना प्लान है वो प्लान एग्जीक्यूट कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैटर्स कैन बी हैंडल्ड इन एनी ऑर्डर फैशन, जो भी उसका अगर फाइनेंशियल मैटर बढ़िया है तो कोई भी उसके दिमाग में कोई नए प्लान चला है, कोई नई चीज़ एक्टिविटी चली, नई कोई रिसोर्सेज अगर वो चाहता है तो वो चीज़ वो क्या कर पाएगा, मैनेज कर पाएगा। अगला एजेंसी एक्टिविटीज कैन बी कोऑर्डिनेट एंड बैलेंस, जो भी एजेंसीज है वो क्या करेगी प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट और बैलेंस कर पाएगी, अगर उनका फाइनेंशियल जो एक अपना मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है अगर वो पुख्ता है अच्छा है तो वो हर चीज को मैनेज बैलेंस कर पाएगी। नेक्स्ट बजट हेल्प्स इन जस्ट मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, बिल्कुल हर एक के परफॉर्मेंस को बेस पे भी अपन मैनेजमेंट जो भी आपका बजटिंग उसके बेस पे अपन आकलन कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपके एडवांटेज। अगला पढ़ते हैं अपन डिसएडवांटेज, है ना। अगला अपन देखते हैं डिसएडवांटेज कि जो आपका बजट है उस बजट का डिसएडवांटेज क्या है। देखो कोई भी चीज है एक लिमिट में है तो बढ़िया है, ज़्यादा हो तो वो हानिकारक भी होती है ना। अब देखो डिसएडवांटेज क्या होता है बजट का। सबसे पहली बात डिसएडवांटेज, बजट हैज प्लान फॉर डिटेल प्रोग्राम एक्टिविटीज, बजट क्या करती है जो भी आपका प्लान है, अगर आपका जो बजट है वो बजट अगर आपके वेस्ट पे है, आपके लिमिटेशन में है और आपके अंडर प्रोसेस में है तो आप हर चीज़ को अपने वेस्ट पे क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे। ठीक है, अगर बजट आपका जो भी आपकी एक्टिविटीज़ के बेस पे आप कंडक्ट करवाना चाहते हो या कोई भी नई न्यू चीज़ आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आपका उस लेवल पे है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बजट जो आपकी प्लान है वो क्या कर सकता है, प्रोग्राम एक्टिविटीज़ को डिले करवा सकता है। नेक्स्ट इट हेल्प फिक्स अकाउंटेबिलिटी, बिल्कुल अपन नॉर्मल देखते हैं कि आपके जो बजट है वो एक फिक्स अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करके आप नॉर्मल कि हाँ भाई यार अब अगर जिस बेस पे आपने स्टार्ट किया या फिर आपकी जो एक 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 मैनेजिंग पावर है तो उस बेस पे अपन उस चीज़ को फिक्स कर देते हैं, हाँ भाई ठीक है बस, है ना। नेक्स्ट इट एनकरेज मैनेजर्स टू मेक ए केयरफुल एनालिसिस ऑफ ऑपरेशन एंड सॉरी मैं आपको एडवांटेज बता रहा था। नेक्स्ट अपन डिसएडवांटेज, मैं वही सोच रहा यार। नेक्स्ट अपन डिसएडवांटेज के अंदर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल बजटरी कंट्रोल, बिल्कुल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस मतलब जो भी आपके स्किल्स है आपके एक्सपीरियंस है वो क्या करते हैं अपन जो आपका एक बजटरी जो कंट्रोल है उसको क्या करता है वो एक मैनेज करता है। दूसरा ओवर बजटिंग इज ए बिग डेंजर, ठीक है, जो आपका ओवर जो बजट है वो भी बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। मैंने बताया था आपको बजटरी गोल्स में सरप्रेस्ड एजेंसी गोल्स, ठीक है। अगला टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक्सपेंसिव होता है। ये कुछ आपके डिसएडवांटेज है, ये क्या है आपके डिसएडवांटेज है जो कि क्या करते हैं जब अगर जो आपका बजट है उस बजट को बजट के अंदर मैनेज मतलब अगर नहीं है या ज़्यादा है ओवर है तो आपकी जो आपका जो प्लान है आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग उसको क्या करते हैं इम्बेलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब आंसर नंबर 4 आ जाता है आपका आंसर नंबर
4 और 4 के अंदर अपन देखते हैं मैटेरियल मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था वही टॉपिक, नाम लिख दो, लिख दिया। इसके बाद में सबसे पहले अपन देखते हैं डेफिनेशन, सबसे पहले क्या देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में बात करें तो या तो इंट्रोडक्शन, अगर आपके पास इंट्रोडक्शन है आपको आता है तो उसके बारे में, अगर मेरे बेटर रहेगा आप पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, चाहे कोई भी चीज़ हो अपने खुद के मन से भी उसका इंट्रोडक्शन बना लो, उसके बाद में उसके डेफिनेशन, फिर जो आपको डेफिनेशन याद है वो डेफिनेशन आप लिखना स्टार्ट करो। तो पहला बढ़िया सा आप जैसे जैसे ये सिक्वेंस में बनाते करते जाओगे, लिखते जाओगे, तो ऑटोमेटिक इफेक्टिव आपका आंसर लगेगा, डेफिनेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन देखें तो मटेरियल मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड प्लानिंग, एक्वायरिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग एंड मैनेजिंग द मटेरियल इन बेटर मैनेज दैट सर्व्स द कंज्यूमर टू ऑब्टेन द मटेरियल एंड एन अफोर्डेबल। देखो होता क्या है मटेरियल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल बेस पे मैं बताता हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट हॉस्पिटल बेस पे, हॉस्पिटल बेस पे मैं आपको मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, आप किसी वार्ड इंचार्ज हो, आप दोबारा बोली, आप वार्ड इंचार्ज हो, ठीक है, आईसीयू के, किसके आईसीयू वार्ड के आप क्या हो, इंचार्ज हो। अब आपको एज ए वार्ड इंचार्ज आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि आपके जो वार्ड है उस वार्ड के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट्स है, ठीक है, आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपके पास कौन सी चीज़ें एक्सपायर्ड है ना, और आगे न्यू टाइम में आपको किस चीज़ की ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ है, जो चीज़ आपको वैकेंट है आपके पास और उस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वो चीज़ जिसके अंदर आप इक्विपमेंट्स को प्रॉपर तरीके से उसकी सप्लाई, उसका स्टोर, उसका मैनेज और उसके जो परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, वो सब का जो ध्यान रखते हैं वो सब अपन किसके बेस पे देखते हैं, इस मटेरियल मैनेजमेंट के बेस पे देखते हैं, ठीक है, किसके बेस पे देखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। अगर आपको आपके आपका जो आईसीयू वार्ड है उस वार्ड के अंदर आपको मॉनिटर की रिक्वायरमेंट है, आपके पास में 5 बेड है, ठीक है, 5 बेड है आईसीयू में और आपके पास 4 ही मॉनिटर है, तो उस एक मॉनिटर को आपको परचेज भी करवाना है, उसको स्टोर भी करना है, एक्स्ट्रा मंगवा के, अगर आप 2 मंगवाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, एक कभी ख़राब हो जाए तो बात, अब उसको आपको स्टोर भी करवाना है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करवाना है, उसका परचेज भी करना है और उसके बेस पे आपको प्लानिंग करना है, वो सब आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, इस मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर देखने को मिलता है, किसके अंदर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो समझ में आ गया मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जिसके अंदर आप जो भी आपके आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करते हो और एक्वायरिंग परचेजिंग भी करते हो, उसका ट्रांसपोर्ट भी करवाते हो, उसको स्टोर भी करते हो और मैनेजिंग द मटेरियल इन बेटर मैनेज, ठीक है, और उसे प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से क्या करते हो, उसे मैनेज भी करते हो, वो सब काम मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर देखा जाता है, ठीक है। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जो आपका मटेरियल मैनेजमेंट होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है। देखो प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर मेनली अपन, मैं केवल आपको पॉइंट बाय पॉइंट वही चीज मैं केवल पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूं, बाकी अंदर तो आपको लिखना है ही, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस के अंदर, द प्रोसेस ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्लान वही रिव्यू एंड कंट्रोल, ठीक है, आपका प्लान उसके अकॉर्डिंग रिव्यू देखना भी है कि भाई जो मटेरियल आप मंगवा रहे हो परचेज कर रहे हो वो कितना इफेक्टिव है कितना नहीं, कौन सी कंपनी का बेस्ट है कौन सा नहीं, तो वो सब चीज़ आपको देखना है ना। और तो उसमें सबसे पहली बात प्रोसेस के अंदर बजटिंग एंड मटेरियल प्लानिंग, आपके पहली बात तो भाई हर चीज़ में बजट तो देखना ही है आपको, तभी तो अपन ये चीज़ मैनेजमेंट पढ़ रहे। मैनेजमेंट पढ़ने का कारण क्या है, मैनेजमेंट पढ़ने का कारण ये था कि आप जब आगे आप बढ़ोगे अपने लाइफ में तो आपको हर चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अभी तो चलो सब आप अपने फैमिली अपने मतलब फादर के ऊपर हो डिपेंडेंट, फादर आपको जब पैसे ज़रूरत होती है तो फ़ोन कर देते हैं, पापा मुझे इतने पैसे चाहिए, वो पैसे भिजवा देते हैं ना।
लेकिन जब आप खुद कमाओगे, ड्यूटी जाओगे, हॉस्पिटल कहीं ड्यूटी करोगे, कहीं कॉलेज में पढ़ाने जाओगे और वहाँ पे जा कर के और आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद में फिर आप अपने आप को कैसे मैनेज करोगे, किस टाइप से आप हर चीज़ को मैनेज करके चलोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैनेजमेंट होता क्या है। और इसीलिए मैनेजमेंट हमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। आपको हर चीज़ को, आपको रूम का रेंट से लेकर के सबका खाना पीना सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ता है, वो आप मैनेजमेंट प्रोसेस के बेस पे कंडक्ट करते हो, है ना। तो बजटिंग देखते हो आप, उसका प्लानिंग देखते हो, डिमांड फोरकास्टिंग भाई कितनी डिमांड है उसके बेस पे देखते हो, और प्रोक्रूटमेंट आप कर भाई जितने आपके प्रोक्रूट की ज़रूरत है उसके बेस पे देखते हो, रिसिप्ट और इंस्पेक्शन एंड पेमेंट वो भी चीज़ आप मेटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस में देखते हो, स्टोरेज देखते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल वो तो है ही यार भाई। आपने अगर किसी चीज़ को आपको पाँच आपने छः की रिक्वायरमेंट थी, आपने आठ मंगवा लिए, है ना। अब दो 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 है आपके पास, जो भी इक्विपमेंट वो आपके क्या है स्टोर में रखे हुए है ना, एक्स्ट्रा है, और अब उनको भी आपको मैनेज करना है। देख ये थोड़ी कि छः की छः को आपको आपको दो जो बचे हुए आपके, क्योंकि कल अगर इनमें से कोई सा भी ख़राब हो गया तो आप इनको इधर रिप्लेस कर दोगे, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है, ताकि आपको आगे किसी भी चीज़ की ऐसी आगे किसी चीज़ के रिगार्डिंग, क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप काम करते हो तो आपको तो हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, देखना पड़ेगा, है ना। तो उसके बेस पे आप क्या करते हो, कंप्लीट कर पाते हो। इशू एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इश्यूज वगैरह है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको भी आपको देखना है, यूजेज को देखना है, मेंटेनेंस देखना है उसका, और डिस्पोजेबल भी देखना है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हैं आपके फॉर द मटेरियल मैनेजमेंट की, आप किस टाइप से मटेरियल मैनेजमेंट को मैनेज कर रहे हो, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी सप्लीमेंटेशन है उसको कितने तरीके से, किस बेस पे सप्ली जो सप्लाई है आपकी वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो रही नहीं हो रही, और जितनी आपको रिक्वायरमेंट उस बेस पे कंप्लीट हो रही है या नहीं, वो चीज़ भी अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोल ऑफ नर्स टू मेंटेन। मैं इसमें से मैं आपको 5-6 पॉइंट लिखा रहा हूँ, बाकी अब इसमें 20-15 पॉइंट भी लिखना है आपको, ध्यान रखना। मैं तो बस आपको ये वो चीज़ बताई दी भाई, हर चीज़ को आपको मैनेज करना है, प्लान भी करना, ऑर्गेनाइज भी करना, आपको ट्रांसपोर्ट भी करना, हर चीज़ करना है आपको। तो वो चीज़ अपने बेस पे आप बनाते जाना पॉइंट बाय पॉइंट। मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो बता रहा हूँ, देखो पहला कीपिंग इन माइंड सफिशिएंट, बिल्कुल रखना ही है। मैंने कहा आठ भाई, आपको ज़रूरत है छः की, लेकिन दो एक्स्ट्रा मंगा के चलो, क्यों इतने भी नहीं मंगाना कि छः की जरूरत है और 12 मंगवा लिए, फिर ये 12 फिर बाकी के जो ज़्यादा ज़्यादा आपको 2-3 और यूज में आए और बाकी बचे हुए थे वो सब के सब क्या हो गए, एक्सपायर हो गया किसी चीज़ की वजह से, उनको वो ख़राब हो गए, ठीक है। तो वो चीज़ भी नहीं करनी है ना। तो हर चीज़ को अगर छः की ज़रूरत है तो 8 मंगवा लिए, है ना। अब अगर यहाँ से आपने 2 यूज़ में भी ले लिए तो बाकी के 2 के फिर दोबारा से आप डिमांड दे दो कि भाई 2 की और ज़रूरत है, तो ताकि हर एक चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर पाओ, वो चीज़ आपको मैनेज करनी है। दूसरी बात, दूसरा नेक्स्ट अपन देखते हैं, मटेरियल शुड बी गुड कंडीशन। जो भी आपका मटेरियल आप मंगवा रहे हो एक अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। देख अच्छी बताए ना भाई, आपको 4 जगह उसकी इंक्वायरी करनी है, आदमी कब नहीं ठगाता। मैं एक नॉर्मल बताऊँ, आपने अगर कोई चीज़ आप खुद के बेस पे भी देख लेने जाते हो, कोई भी चीज़ अपन नहीं लेते तो पहले तो अपन गूगल पे सर्च करते हैं, गूगल पे देखते हैं कि यार ये जो फलाना मोबाइल की बात करें कि भाई ये मोबाइल है, और इस मोबाइल को पहले गूगल पे देखते हैं यार ये मोबाइल कितना है, कितनी इसकी रेटिंग है, है ना। रेटिंग देखते 5 रेटिंग है, 4 है, 3 रेटिंग की है, 5 रेटिंग का है, 3 रेटिंग का है ना। रेटिंग देख ली उसके बाद में फिर उसका अपन क्या देखते हैं, उसका जो भी उसकी मतलब कितने उसकी क्वांटिटीज बेस पे देखते हैं अपन, ठीक है, या फिर अपन की कितने पैसे कितने रुपए का है वो चीज़ अपन देखते हैं कि भाई इसका फाइनेंशियल कितना है ना, भाई 15,000 का है, 18,000 का है, वो चीज़ अपन गूगल पर ट्राई कर लिया। फिर अपन जाते दुकान पर, फिर दो लोगों से और पूछते, दो लोगों से पूछते यार मैं इस ये कंपनी का फ़ोन ले रहा हूँ, ले लूँ क्या, कैसा रहेगा। तो वो चीज़ अपन सब किसके बेस पे, इस मटेरियल मैनेजमेंट के बेस पे देखते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं मैनेज मतलब ले रहा हूँ अपने खुद के यूज़ के लिए, तो कैसा रहेगा मेरे लिए, तो वो चीज़ अपन देखते हैं, है ना। तो
दूसरा गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हैंडल सप्लाई एंड इक्विपमेंट, बिल्कुल आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी रखनी है उसके सप्लाई के और इक्विपमेंट्स के अंदर। चेकिंग फॉर मिसयूज एंड हाउ टू मिनिमाइज, आपको चेक भी करना है कि कोई मिसयूज ना करे, ठीक है, मिनिमाइज हो, है ना, और उसको मिनिमाइज किस टाइप से करना है। एजुकेटिंग द वार्ड स्टाफ एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर इन द इकोनॉमिकल यूज ऑफ मटेरियल, जो भी वार्ड के स्टाफ है उसको भी आपको सिखाना है, पहले खुद को फिर उसको उन लोगों को सिखाना है। एंड मेक श्योर दैट इक्विपमेंट्स एंड सप्लाईज आर गुड कंडीशन, और आपको ये भी देखना है कि आपके पास में जो आपके इक्विपमेंट्स है, आपके जो भी सप्लीमेंट है वो आपके प्रॉपर तरीके से है नहीं, और यूजेबल कितने हैं कितने नहीं, वो चीज़ अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये अपन किसके बेस पे, आपके जो मैटर मैनेजमेंट है उस मैटर मैनेजमेंट, बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट, आप 15 पॉइंट बनाने हैं आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैंने तो बस एक नंबर आपको हिंट दी कि हाँ इस टाइप से आपको ये क्वेश्चंस का आंसर आपको इस टाइप से पुटअप करना है। प्रॉपर तरीके से अगर मैं समझाने लग जाऊँ तो फिर पूरा पूरे आपके पूरे जो सात क्वेश्चन है वो सात क्वेश्चनों में ही 150 स्लाइड बढ़ जाएंगी आपकी, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, आपको भी इतने, बस मैं तो केवल पॉइंट्स पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ को मैनेज करना है कि हाँ क्वेश्चंस को इस टाइप से पुटअप करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, ठीक है। आपको 4th नंबर तक मैंने सब कुछ समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो मैं आपको जो एक मैटर जो समझा रहा हूँ, मैटर जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक शेड्यूल बेस बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपको आंसर को पुटअप करना है, ठीक है। मैं केवल जैसे पॉइंट्स पॉइंट जो मैंने आपको बताया तो उस पॉइंट पॉइंट के बेस पे आपको अंदर भी एक्सप्लेनेशन करने हैं, और जो जो मैंने आपको शेड्यूल बताया जिस बेस पे मैंने आपको बताया उस तरीके से आपको कंप्लीट करके और आपका आंसर को पुटअप करना है। बेटा ध्यान रखना, हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन के बेस पे आपको कंप्लीट आंसर, जो आपका क्वेश्चन उस आंसर क्वेश्चन का आंसर आपको पुटअप करना है। नेक्स्ट बात कहते हैं अपन आंसर नंबर 5th, जो है आपका लीडरशिप, ठीक है। लीडरशिप क्या होता है, जनरली सब जानते हैं, वर्ड से पता चला, लीडरशिप, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो पर्सन अपने अंडर वर्क करने वाले जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर जितने भी लोग काम करते हैं। अपन हॉस्पिटल की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपके पहले एग्जांपल दिया था कि आपकी एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो नर्स होती है आपकी, ठीक है, वार्ड इंचार्ज जो नर्स होती है, उस नर्स के अंडर में जितने भी नर्सिंग स्टाफ है वो नर्सिंग स्टाफ काम करते हैं, ठीक है। अब जब काम करते तो उनके ऊपर जो आपकी मतलब डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ नर्स होती है वो नर्स क्या करती है, पूरे ड्यूटी रोस्टर से लेकर के हर चीज का जो भी सीक्वेंस है इस सीक्वेंस पे ड्यूटी को अरेंज करना है, इस सीक्वेंस से इस स्टाफ को ये पेशेंट अरेंज करने, तो वो सब की सब काम किसका किसके द्वारा किया जाता है, आपकी एचओडी, यानी कि वो लीडरशिप का काम करती है। अगर आप नर्स की बात करें तो लीडरशिप का काम भी अपन नर्स के द्वारा भी किया जाता है। तो पहले अपन देखते हैं लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप सबसे पहले इंट्रोडक्शन, वही सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया था, आपके जो क्वेश्चन है जैसे आपको मैं बताता आ रहा हूं कंटिन्यू, पहले आप अगर आपके पास इंट्रोडक्शन नहीं आता तो भी आप उस वर्ड से रिलेटेड 4-5 लाइन का आप इंट्रोडक्शन जरूर पुटअप करो, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा जब आप एक्सप्लेनेशन दोगे एग्जाम में, तो जो आपका एग्जामिनर है जो कॉपी चेक करेगा वो एक इफेक्टिव उस क्वेश्चन के आंसर को सोच करके और आपके मार्क्स भी उसी बेस पे वो देगा, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन कलेक्ट किया, लीडरशिप का इंट्रोडक्शन क्या होता है, देखो लीडरशिप इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, बिल्कुल ये तो सब जानते ही है, एक मैनेजमेंट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके बेस पे आप कंप्लीटली अपने अंडर जितने भी वर्क करने वाले जो आपके एम्प्लॉयज है उन एम्प्लॉयज को क्या करते हो, आप कोऑर्डिनेट करते हो, ठीक है। दूसरी बात, जो आपकी लीडिंग इन्वॉल्व डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू द परफॉर्म, बिल्कुल हर तरीके से आप चाहो तो आप अपने एम्प्लॉय से एक बेहतर तरीके से एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने जो भी कोई भी आपका काम है उस काम को आप क्या करवा सकते हो, कंप्लीट करवा सकते हो अपने बेस पे, वो भी अच्छी इफेक्टिवनेस कंडीशन में, ठीक है। ये आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, एक लीडरशिप की वो क्वालिटी है कि आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिस क्वालिटी के बेस पे आप अपने काम को कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है। तो आपके जो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन आपने देखा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, नेक्स्ट अपन चलते हैं किसकी डेफिनेशन की, क्या होती है डेफिनेशन, देखो अकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा था मिनिमम आपको मतलब मैक्सिमम मिनिमम आपको 3 डेफिनेशन तो देनी ही है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप पे ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपको, अगर आप नहीं है तो भी आपको बना करके 3 डेफिनेशन तो बनानी है, ये ध्यान रख लेना बेटो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पीटर
ड्रुकर के अकॉर्डिंग लीडरशिप क्या, लीडरशिप इज ए शिफ्टिंग ऑफ आउन विजन ऑफ हायर साइड्स। बिल्कुल ठीक है, एक गुड लीडरशिप वो होता है जो आगे तक की सोच करके चलता है, एक गुड विजन होता है उसका, जो भी उसका काम है उस काम के प्रति, जो भी उसका रोल है उस रोल के प्रति गुड विजन होता है, आगे तक का फोकसिंग होता है, आगे जो गोल अचीव करने वाला है उस गोल के प्रति उसका पूरा जो इंडिकेशंस होता है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द रेजिंग ऑफ मेंस परफॉर्मेंस टू हायर स्टैंडर्ड, द बिल्डिंग टू मेंस पर्सनैलिटी बियॉन्ड इट्स नॉर्मल लिमिटेशन, जो भी उसकी लिमिटेशन है, एक नॉर्मल जो पर्सन जो उसके अंडर वर्क करते हैं उन पर्सनों की एक लिमिटेशन सेट करके, एक लिमिटेशन में और उन पर्सनों के अकॉर्डिंग क्या करता है, एक दूर तक की सोचता है जिसके अकॉर्डिंग वो जो भी उसका एप्रिजियल है, जो भी उसका काम, उस काम को वो कंप्लीट करवा सके, वो सब किसके बेस पे देखा जाता है, आपकी लीडरशिप के बेस पे देखा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, लीडरशिप जो होता है देखो उसका मेन वर्क किस टाइप से आपको जो लीडरशिप जो कंप्लीट होती है, एक लीडरशिप जो लीडर होता है वो लीडर किस टाइप से अपने वर्क को कंप्लीट करवाता है। देखो सबसे पहले लीडरशिप बात कर, सबसे पहले सपोर्टिंग डेवलपमेंटल कल्चर। बिल्कुल कैसा होता है, सपोर्टिंग होता है पहली बात, तो उसका जो एक बिहेवियर होगा, एक गुड लीडर वही होता है जो हर एक एम्प्लॉय की जो भी उसकी सिचुएशन है, जो उसकी कंडीशन है, जो जो आप, क्योंकि जो लीडर होता है वो लीडर तो एक केवल अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उन एम्प्लॉयज के बेस पे अपना काम कंप्लीट करवाता है। ठीक है, अब उसके अंदर क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिस क्वालिटी के बेस पे वो अपने उस कंप्लीट जो भी आपका काम, उस काम को वो कंप्लीट करवा सके। तो एक गुड लीडरशिप भी होना बहुत एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जिसके बेस पे वो अपने काम को कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है, दूसरा सपोर्टिंग एंड गिविंग कंस्ट्रक्टिव। बिल्कुल सपोर्टिंग भी होना चाहिए, ये तो आप जानते हो भाई, सपोर्टिंग भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, कंस्ट्रक्टिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट मोटिवेटिंग, बिल्कुल होना चाहिए भाई, आज अगर आप कोई काम करवा रहे हो जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करोगे किसी काम के लिए, तो आपके एम्प्लॉयज जो काम आप उनसे मतलब एक्सेप्ट करते हो आप, या जो काम आप चाहते हो कि भाई ये काम इस टाइप से हो, तो वो काम उसी बेस पे हो पाएगा जब आप उनको एक मोटिवेशन वाली कंडीशन में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजिंग चेंज इफेक्टिवली। ठीक है, जो भी अगर चेंजिंग वाली सिचुएशन है तो वो भी आप मैनेज करके चलो, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जो आपका एम्पावरमेंट है, ठीक है, द टीम, जो भी आपकी एम्पावरमेंट है आपकी टीम के अकॉर्डिंग, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट डेलीगेटिंग होना चाहिए, बिल्कुल डेलीगेट प्रॉपर तरीके से। तो पहली बात, तो एक जो लीडरशिप होता है, जो लीडर होता है वो लीडर प्रॉपर तरीके से अपने वर्क के प्रति क्या होना चाहिए, डेलीगेट होना चाहिए, है ना, एक सुपुर्द होना चाहिए, मतलब अपने काम के प्रति कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट कोचिंग एंड मतलब मेंटोरिंग, यानी कि जैसे कोई भी चीज़ है भाई, आज अपन एक एम्प्लॉयज के बेस पे अपन किसी चीज़ को लीडर कर रहे हैं ना, और तो उस लीडर के अंदर हर चीज़ को मेंशंस करने के अकॉर्डिंग, हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को कुछ चीज़ सीखते भी है, कुछ चीज़ अपन को उनको बताना भी होता है, तो उसके सब ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए, उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट कैसा होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के अंदर इस टाइप से मैनेज होना चाहिए कि एक प्रेशराइज भी कंडीशन रहे, और जिसमें जो अपना एम्प्लॉयज है उस एम्प्लॉयज को वो क्या करवा सके, अपने काम को भी कंप्लीट करवा सके, और एक नेचुरल मतलब इसके अंदर जो एक जो आपका लीडर होता है उसका एक जो मतलब अदर पर्सन के प्रति, अदर एम्प्लॉयज के प्रति जो बिहेवियर है वो इस टाइप का सेट होना चाहिए, ताकि अपना जो भी काम है उस काम को वो इजीली तरीके से करवा सके, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते अपन क्वालिटीज, क्वालिटीज के अंदर अपन ने देखो इसकी टोटल अपन 10 क्वालिटीज को देखते हैं। आप मैं केवल आपको डायग्राम इस पे समझा रहा हूँ, आप अंदर क्वालिटीज पॉइंट्स पॉइंट याद रखना, मैं शुरू से बोलता रहा हूँ ये चीज़ दोबारा कंटिन्यू, पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहला हॉनेस्टी होना चाहिए, हर जहाँ पे भी आप काम करते हो अगर आप हॉनेस्टी हो तो दुनिया के किसी भी कोने में जाके आप अपने आप को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आप हॉनेस्टी हो तो, ये ध्यान रख लेना।
तो हॉनेस्टी, हॉनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, डेलीगेट होना चाहिए काम के प्रति, एक अच्छा प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस वाला पर्सन होना चाहिए, एक अच्छा कमिटमेंट पर्सन होना चाहिए, है ना, आपके अंदर एक अच्छी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए हर काम के प्रति, एक अच्छा क्रिएटिव होना चाहिए, है ना, और आपके जो आपके अंदर एक इंट्यूशन होना चाहिए, है ना, जो भी आपके मतलब किसी पर्सन के ऊपर डिपेंड, आई मीन कोई पर्सन आपके ऊपर डिपेंड है तो उस पर्सन के प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, इनिशिएशन होनी चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, हर कोई पर्सन ये बोले कि नहीं यार वो जो लीडर है वो सबसे बेस्ट है, तो आपके मतलब आप हर कोई आपसे इंस्पायर होना चाहिए, और एक अच्छे अप्रोच वाला होना चाहिए पर्सन, कैसा होना चाहिए, एक अच्छे अप्रोच वाला होना चाहिए। तो कितने टोटल आपकी कितनी 10 क्वालिटी होनी चाहिए एक गुड लीडर के अंदर, जो मतलब अपने जो वर्क है उस वर्क को वो कंप्लीट करवा सके, है ना, हॉनेस्टी, डेलीगेट, कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से, कॉन्फिडेंस वाला होना चाहिए, कमिटमेंट वाला होना चाहिए, अच्छी प्रॉपर कमिटमेंट वाला होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी वाला होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए, और अप्रोच वाला पर्सन होना चाहिए। ये क्या है, एक गुड लीडरशिप की क्या है आपकी क्वालिटीज होती है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक लीडरशिप स्टाइल्स की, जो अपन टाइप्स देख रहे थे लीडरशिप स्टाइल्स से, तो लीडरशिप स्टाइल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप्स के आपके लीडरशिप स्टाइल्स होती है, तो देखो सबसे पहले होता है ट्रांसैक्शनल्स, यानी कि जो भी एक गुड लीडर होता है वो लीडर कैसे होना चाहिए आपका, ट्रांसैक्शनल्स होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसैक्शनल्स की बात करें तो मतलब किसी अदर पर्सन से, किसी अदर पार्टी से, किसी अदर जो भी एम्प्लॉयज है उन एम्प्लॉय से एक अच्छी तरीके से उसका क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, मतलब लेन देन किसी भी चीज़ से, ठीक है, चाहे कोई भी आपने कोई भी कमिटमेंट कर दिया, ठीक है, या फिर कोई भी आपके मतलब जो भी आपका वर्क है उस वर्क के अराउंडिंग आपने किसी अदर कंपनी को, किसी अदर पर्सन को आपने कमिटमेंट कर दिया, तो आपका कमिटमेंट कंप्लीट करने वाला होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरा आपका आता है सेकंड, एक ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, सेकंड क्या है, सेकंड आपका ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। ऑटोक्रेटिक की बात करें तो ऑटोक्रेटिक के मतलब कि प्रॉपर तरीके से पूर्ण अपन बोल सकते हैं ऑटोक्रेटिक, मतलब कि उसके अंदर प्रॉपर एक पावर होनी चाहिए, ऑटोक्रेटिक मतलब एक ऐसी पावर होनी चाहिए जिस पावर के बेस पे वो अपने उस काम को क्या करवा सके, कंप्लीट करवा सके, ठीक है। तो एक अथॉरिटी पर्सन होना चाहिए, एक अच्छे पावर वाला पर्सन होना चाहिए। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। अगर अपन डेमोक्रेटिक की बात करें तो डेमोक्रेटिक के अंदर पर्सन है वो एक कैसा होना चाहिए, प्रॉपर लोकतांत्रिक वाला पर्सन होना चाहिए, एक डेमोक्रेटिक, एक अच्छी तरह से हर चीज को बोलते हैं ना कि अगर पर्सन डेमोक्रेसी वाला होगा, डेमोक्रेटिक पर्सन होगा, तो वो पर्सन अपने अंदर यानी कि जहाँ पे भी जिस भी कंपनी के अंदर या जिस भी हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है, जिस भी कंपनी या जिस भी हॉस्पिटल के अंदर वो काम करता है, तो वहाँ पर वो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलेगा, क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलेगा, आगे आगे तक की सोच कर चलेगा, ठीक है, कि किस किस चीज़ के ऊपर डिमांडेबल चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ डिमांडेबल है, ठीक है, किस किस चीज़ को सबसे फर्स्टली रेफर रखना है, तो उन चीज़ों के बारे में क्या रखेगा, वो पहले से ही नॉलेज रखता है। तो प्रॉपर पर तरीके से पर्सन कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेसेस फेयर होना चाहिए, अगला जो उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए पर्सन के, यानी लीडरशिप जो स्टाइल होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, लेसेस फेयर होना चाहिए। लेसेस फेयर की बात करें तो लेसेस फेयर के अंदर क्या होता है, पर्सन जो होता है उसके अंदर किसी अदर चीज़ के रिगार्डिंग है, कोई भी वर्क कर रहा है या फिर कुछ भी ऐसा काम है, तो उस काम के प्रति कोई भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप बोल सकता था, लेज मतलब हस्तक्षेप, ठीक है, यानी किसी तरीके का कोई ऐसा बाउंड नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की ऐसी कोई क्रिएटिविटी मतलब ओवर क्रिएटिविटी होनी चाहिए जिससे कि पर्सन को जो अपना डिसीजन लेने में या फिर कोई भी ऐसा काम है उस काम को वो करने में सक्षम ना हो, तो ये सब चीज़ आपके देखा जाता है। नेक्स्ट आपका ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए, ठीक है। अपन ये क्वालिटीज़ की बात करें, क्वालिटी के अंदर अपने जो स्टाइल उसकी बात करें, तो भाई एक अच्छा जो लीडरशिप होता है, एक अच्छा जो लीडर होता है वो प्रॉपर तरीके से कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशनल होता है हर चीज़ को। अगर कोई चीज़ ज़्यादा अपन बोल सकते हैं कि अगर कहीं पे वो है और किसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड है,
ठीक है, तो उस डिमांड के बेस पे वो हर अपनी जो भी कोई भी प्रोडक्टिविटी है उस प्रोडक्टिविटी को वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिमांड। तो ये सब की सब एक स्टाइल्स होती है लीडरशिप की, जिसके बेस पे वो अपनी जो अथॉरिटीज होती है उस अथॉरिटीज को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है लीडरशिप, आई होप समझ में आ गया होगा आपको लीडरशिप के क्या क्या लीडरशिप्स होते हैं, कौन कौन से उसके रोल्स होते हैं। ये लीडरशिप एक मैंने आपको समझाने के पर्पज से, बाकी बेटा आप लोगों के जो नोट्स है उस नोट्स में आप लोग लिखते ही हो, है ना, बाकी मेरा एक समझाने के पर्पज से मैंने आपको बताया था, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है ये आपका कंप्लीट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला जो आपका क्वेश्चन है, अगला अपन जो देखते हैं वो है सुपरविजन। अगला क्वेश्चन आता है आपका सुपरविजन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपरविजन, सिक्स नंबर का क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सुपरविजन क्या है, सुपरविजन क्या है, है ना, या तो एक सुपरविजन है ना, और इम्पोर्टेंट ये है ही, इसके साथ साथ में आपके सुपरविजन के जो मतलब जो मैंने आपको दो क्वेश्चंस मतलब ए और बी ऑप्शंस में आपको सुपरविजन वाला टॉपिक मैंने आपको क्लियर लिखवा रखा है ना, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में ए और बी टॉपिक में, तो सुपरविजन क्या है उसके करेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस के बारे में अपन ने बताया था, ठीक है, और एक गुड लीडरशिप जो मतलब सुपरवाइजर कौन होता है उसके बारे में अपन को, ठीक है, या फिर इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी जो एग्जाम है उस एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो मेनली तो जो सुपरविजन है वो सुपरविजन क्वेश्चन आपका सबसे बड़ा जो फोकस होता है, सबसे बड़ा जो इस साल, क्योंकि मैं इसी साल के पर्पज से मैंने सारे पेपर आपका जो पूरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने आपका क्या है प्रिपेयर किया है कि भाई हाँ इस साल ये क्वेश्चन आपका आने का बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, चांसेज है, ठीक है, तो सुपरविजन पहले अपन इसकी बात करते, उसके बाद में फिर मैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सुपरविजन की, सुपरविजन क्या होता है, देखो सबसे पहले अपन वही कंसेप्ट या फिर इंट्रोडक्शन कुछ भी आप लिख सकते हो, इंट्रोडक्शन देख लो, इंट्रोडक्शन है ना, हर चीज को जैसे मैंने आज मेरे ये पेपर जो मैंने पूरा सॉल्व किया उसमें सबसे पहले मैक्सिमम क्वेश्चंस में कोई एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में मैंने आपको स्टार्टिंग क्वेश्चंस की इंट्रोडक्शन से की है, तो ये ध्यान रखना बहुत अच्छा इफेक्टिव आंसर रहेगा आपके अगर आप मैनेजमेंट में इस टाइप से स्टार्ट करोगे, तो मैं आपको केवल वो सिक्वेंस बता रहा हूँ कि इस टाइप से आप स्टार्ट किया ना, डेफिनेटली आपका पेपर इतना अच्छा पेपर होगा, आपका खुद को आप अटेम्प्ट करने में भी मजा आएगा और सामने वाले को कॉपी चेक करने में भी मजा आएगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चंस पुटअप करने का जो तरीका है वो तरीका आपका ये होना चाहिए, ध्यान रखना सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो द वर्ड सुपरविजन डिराइव फ्रॉम टू वर्ड सुपर प्लस विजन, सुपर मतलब आगे का, विजन विजन मतलब सी, ठीक है, किसी भी चीज को जब अपन ओवर तरीके से या कुछ ज्यादा अपन अच्छे तरीके से देख रेख करते ढंग से देख रेख करते उसे बोलते हैं अपन सुपर विजन, नेक्स्ट इट मीन्स ओवर सींग, अभी बताया था कुछ ढंग से ही ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से अपन जिस चीज के बारे में देखते हैं कि जिस चीज के बारे में सोचते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं सुपर विजन, सुपर विजन मींस ओवर सीइंग द एम्प्लॉइज एट वर्क, सबसे वही बात भाई हर एक हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ नर्स है ना या नर्सिंग स्टाफ होता है उसके ऊपर आपका वार्ड इंचार्ज और इंचार्ज के ऊपर होता है फिर आपका नर्सिंग सुपरवाइजर, होता है सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरवाइजर होता है, इसका काम क्या है, इसका काम हर एक वार्ड की जो इंचार्ज है उस इंचार्ज से रिपोर्ट लेना, पेशेंट के बारे में रिपोर्ट लेना, स्टाफ्स के मेट जो भी इसके कोई भी अगर लीव वगैरह है किसी उसके स्टाफ की, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और आगे फिर ये सुपरवाइजर ये क्या करता है अपनी उस इंफॉर्मेशन को आपके जो हॉस्पिटल का DNS होता है या NS होता है उस NS को क्या करता है फॉरवर्ड करता है ना, तो ये सारे के सारे काम आपके किसके द्वारा देखे जाते हैं, आपके सुपरवाइजर के द्वारा देखे जाते हैं, तो वही सुपरवाइजर सुपर ओवरसीइंग, ठीक है, विजन मतलब देखना, तो सुपर ओवरसीइंग आपका क्या कहलाता है सुपरविजन कहलाता है, नेक्स्ट
सुपरविजन इज द एक्ट ऑफ वॉचिंग, वही चीज, वॉचिंग ए पर्सन और एक्टिविटी एंड मेकिंग सर्टेन दैट एवरीथिंग इज डन करेक्टली एंड सेफ्टली। जो भी आपकी कोई भी चीज़, कोई भी एम्प्लॉई है आपका, तो वो एम्प्लॉई के बारे में हर चीज़ की नॉलेज रखना, ताकि जो भी आपके हॉस्पिटल के अंदर या फिर कहीं की कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ है, वो एम्प्लॉयज़ किस तरीके से सेफली तरीके से या फिर आपकी करेक्शन से, या मतलब करेक्टली बेस पे वो अपना काम कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज़ के बारे में, सबके बारे में क्या करता है, वो नॉलेज रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो सुपरविजन इज डिफाइंड एज द अथॉरिटी डायरेक्शन ऑफ द वर्क ऑफ ऑन ऑफ वंस सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सुपरविजन इज ए काइंड ऑफ टीचिंग विच इन्वॉल्व्स एडवाइजिंग, हेल्पिंग, इंस्पायरिंग, लीडिंग एंड लिबर्टिंग, है ना। आपकी जीन जो बैरेटे थे, उन्होंने आपको ये डेफिनेशन दी है। ठीक है, एक डेफिनेशन दी होगी और दूसरी डेफिनेशन आपकी है। तो सुपरविजन क्या है? सुपरविजन डिफाइंड एज द अथॉरिटिविटी डायरेक्शन ऑफ द वर्क ऑफ वंस सबऑर्डिनेट, एक किसी एक पर्सन के द्वारा वो हर चीज़ को क्या करता है, ऑर्डर, मतलब क्या किया जाता है उसको, अथॉरिटीज होती है जो कि क्या करती है, उसको डायरेक्शन करने का काम करती है, डायरेक्शंस। ठीक है, उस चीज़ को डायरेक्ट करने का काम करती है, वो कौन होता है? आपका सुपरवाइजर, सुपरविजन होता है। दूसरा सुपरविजन का डेफिनेशन, जिसमें के अंदर एक टीचिंग होती है, जिसके अंदर एडवाइजिंग, हेल्पिंग, इंस्पायरिंग, लीडिंग एंड लिबर्टिंग का सारा काम जो भी है आपके, हर चीज़ को, मतलब बोलते हैं ना कि विजन वेस पे हर चीज़ को देखना, समझना, परखना, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखना, हर चीज़ के बारे में मतलब आप अपने से बोलते ना कि अपने को अगर जितना नॉलेज होगा उस बेस पे, फिर अपन जितने अपने जो अंडर एम्प्लॉयज होते हैं, उन एम्प्लॉयज को अपन उस बेस पे काम कंप्लीट कर पाते। तो वो सब की सब आपका किसके अंदर देखा जाता है? सुपर विजन के बेस पे देखा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली और डेफिनेशन। देखो ये मैंने बहुत आपको डेफिनेशन बना रखी है। ठीक है, अगले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन नेक्स्ट में, द मेजर फैक्टर्स ऑफ द सुपरविजन वर्क आर इक्विपमेंट्स एंड आर एज फॉलोज। देखो इक्विपमेंट्स एंड आर एज फॉलोज कौन कौन से, देखो टेक्निकल बेस पे देखे तो फेमिलिटी विद द नो हाउ टू द वर्क टू बी सुपरवाइज, बिल्कुल कैसे आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी होती है। एक अपन फैमिली बेस पे देखे, चलिए तो टेक्निकल में हो गया, है ना, इंस्टीट्यूशनल बेस पे हो गया। ह्यूमन के अंदर देखो तो एबिलिटी टू डू डील टैक्टफुली विद द वर्कर अंडर सुपरविजन। कोई भी पर्सन है, वो पर्सन ह्यूमन बींग किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी, आज अपन फैमिली की बात करते हैं, अपने फैमिली के अंदर अपना एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, अपना फादर होते हैं ना, वो हर चीज़ को, अपना लड़का क्या कर रहा है, कि कैसे जो भी किस संगति में है, तो वो हर चीज़ को सुपरवाइज करता है। आप उनको समझो ना, क्योंकि भाई वो अपन से बड़े हैं, अपनी जो एज है उस एज को वो भोग चुके हैं ना, तो उनको पता है कि अब इस जो लाइन है, वो लाइन किस टाइप से अपना बच्चा जा रहा है, उनकी उसकी बातों से हर चीज़ का नॉलेज लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक एज पर्सन होता है, ठीक है, और एक एक्सपीरियंस जो पर्सन होता है, वो उस पर्सन को सब कुछ नॉलेज हो जाता है। तो वो सब चीज़ अपन सुपरविजन के बेस पे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हम अगला आ जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन। जो आपके सुपरविजन, उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ सुपरविजन की बात करें तो देखो, शुड नॉट बी ओवरबर्डेंड, मतलब कोई इतना ज़्यादा ओवरबर्डेंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, है ना। दूसरा, सुपरविजन कॉजिंग अनरीजनेबल प्रेशर्स और अचीवमेंट्स रिजल्ट इन लो परफॉर्मेंस एंड लो कॉन्फिडेंस इन द सुपरवाइजर। ठीक है, अगर मतलब एक बात करें सिद्धांत की, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि एक अनरीजनेबल प्रेशर किसी अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कंडक्ट करके रखे, या कुछ विदाउट एनी फॉल्ट के, और ऐसी बातें फालतू, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है जो उसके कॉन्फिडेंस को डिक्रीज करे, तो वो चीज़ भी अपन को यूज़ में नहीं लेना। ठीक है, नेक्स्ट, सुपरवाइज डायग्नोसिस, डू नॉट ओवर एस्टिमेट हिज अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी, उसके बारे में भी आपको ध्यान, मतलब आपको जब आप सुपरवाइज कर रहे हो किसी पर्सन को या किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। मैं तो सिंपल सी बात में एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप जब एक एज ए सुपरवाइज़र किसी हॉस्पिटल के अंदर आप जाते हो, तो आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसके बेस पे आप हर एक
हॉस्पिटल के हर एक वार्ड, बहुत सारे वार्ड होते हैं तो हर एक वार्ड को आप मैनेज भी कर सको, ठीक है। स्टाफ अरेंजमेंट्स वाला भी काम भी आपको देखना, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप जो एक वार्ड होता है उस वार्ड के अंदर स्टाफ प्रॉपर तरीके से स्टाफ नहीं होता, तो आपको फिर अदर वार्ड से स्टाफ को मैनेज करने का भी, तो आपको हर तरीके से मैनेज करने का तरीका आना चाहिए कि हाँ आपको किस टाइप से मैनेज करना है। वो सब चीज़ अपन किसके सुपरवाइजिंग बेस पे देखते हैं। ये और प्रिंसिपल्स है आपके, है ना, एक एक पढ़ रहे हैं, देखना। सुपरविजन शुड क्रिएट एटमोस्फेयर ऑफ कोऑर्डिनली एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, बिल्कुल एक अंडर, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअली ट्रस्ट वाली जो सिचुएशन है वो भी आपके सुपरविजन बेस पे देखनी है। सुपरविजन शुड प्लान एंड एडोप्टेड टू द चेंजिंग कंडीशन, जो भी आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन के बेस पे, जैसे मैंने बताया था कि भाई आपको हर चीज़ को पहले से प्रिपेयर, विजन भाई, सुपरविजन मतलब पहले आगे से आगे सोच के चलना है कि हाँ इस जगह मुझे ये चीज़ चेंज करनी है और इस जगह मुझे इसको स्टाफ, जैसे अभी मैंने बताया था जहाँ स्टाफ की कमी है वहाँ आपको स्टाफ प्रॉपर लगाना है, हाँ ये स्टाफ इसमें एक्स्ट्रा चल रहा था, इस स्टाफ को यहाँ से हटा करके और दूसरे बोर्ड में आपको लगाना, ताकि वहाँ भी मैनेज हो जाए और यहाँ पर भी मैनेज हो जाए, स्टाफ की कमी ना, तो वो सब चीज़ आपको उस बेस पे कंडक्ट करनी होती है ना। एक अच्छा साउंड प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए आपके अंदर, एक अच्छी नॉलेज, अभी जैसे मैं बता रहा था आपको, एक गुड नॉलेज होनी चाहिए, एक अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि आप हर चीज़ को मैनेज कर सको। सुपरविजन टू बी एक्सरसाइज विदाउट गिविंग द सबऑर्डिनेट ए सेंस दैट दे आर बीइंग सुपरवाइज, ठीक है। हर चीज़ के बारे में आपके एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई किस टाइप से कैसे मैनेज करना है, वो सब चीज़ आपके किसके अंदर, आपके प्रिंसिपल्स के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट और भी प्रिंसिपल्स हैं आपके, उसमें देखो, सुपरविजन शुड फोस्टर द एबिलिटी ऑफ ईच स्टाफ मेंबर टू थिंक एंड एक्ट फॉर हरसेल्फ हिमसेल्फ, ठीक है। सुपरविजन शुड एनकरेज वर्कर से अपने मन से आप जो है हर चीज़ को देखना, आपको मैनेज करने वाला होना चाहिए, गुड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, गुड कम्युनिकेटेड होना चाहिए, एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला पर्सन होना चाहिए, अच्छा कोऑपरेशन वाला पर्सन होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट सुइटेबल क्लाइमेट वाला पर्सन होना चाहिए, ये सब की सब उसकी क्या है, एक प्रिंसिपल्स है जिसके बेस पे वो अपनी जो क्वालिटीज है उस क्वालिटीज को क्या करता है, डिफाइन करता है। और भी देखो मेरे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप अपने मन से बना, आप बना भी सकते हो। एक अच्छा ऑटोनॉमी वाला होना चाहिए वर्कर के प्रति, एक अच्छा रेस्पेक्टेड और पर्सनैलिटी वाला होना चाहिए ताकि लोग उसकी पर्सनैलिटी के बेस पे कि हाँ यार सुपरवाइजर है तो थोड़ा धाक रहे, वो वाला उस टाइप से होनी चाहिए उसकी पर्सनैलिटी। स्टिमुलेट द वर्कर्स स्टाफ और एम्बिशंस टू ग्रो इन इफेक्टिवनेस, एक अच्छा इफेक्टिवनेस वाले आपके स्टाफ के रिगार्डिंग भी होना चाहिए। फोकस ऑन कंटिन्यूड स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल, बिल्कुल हर स्टाफ के लिए एक अच्छे ग्रोथ डेवलपमेंट बेस पे अच्छा होना चाहिए, एक फोकसेबल होना चाहिए ताकि वो हर चीज़ को फोकस रख सके। नेक्स्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एंड गाइडेंस, बिल्कुल हर चेकिंग को गाइडेंस के रिगार्डिंग भी क्या होनी चाहिए, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और गुड लीडरशिप इज पार्ट ऑफ गुड सुपरविजन, एक अच्छा लीडरशिप क्या होता है, एक अच्छा सुपरविजन का पार्ट होता है, ये ध्यान रखना। एक जब तक आप एक गुड लीडर नहीं बन सकते तब तक आप उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते। सबसे पहले सुपरविजन करने के लिए आपको गुड लीडरशिप वाला पर्सन होना चाहिए। अभी लीडरशिप पढ़े थे, जब तक पर्सन गुड लीडरशिप नहीं है तब तक वो अच्छे तरीके से हर पर्सन को सुपरवाइज नहीं कर सकता, तो पहले अच्छा लीडर बनो उसके बाद में फिर अब सुपरवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब अगला क्वालिटीज, तो क्वालिटीज में अपने देख लिए इतने अभी तक पढ़ रहे थे अपन, तो क्वालिटीज बेस पे भी है, एक अवेयर वाला होना चाहिए, है ना। दूसरा थ्रोटनेस होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए और इनिशिएटिव होना चाहिए, और आपका इमोशनली कंट्रोल वाला पर्सन होना चाहिए, पर्सनल क्वालिफिकेशन होने चाहिए, गुड जजमेंट वाला पर्सन होना चाहिए, सिम्प्टोमेटिक होना चाहिए पर्सन, है ना। ये सब की सब क्या है, उसकी एक अच्छी क्वालिटीज होती है। और भी देखो, इंटेलिजेंट होना चाहिए वो पर्सन, टीचिंग एबिलिटीज होनी चाहिए उसके अंदर, जनरल आउटलुक होना चाहिए उस पर्सन के अंदर, स्किल्स अच्छे होने चाहिए, अच्छी नॉलेज होना चाहिए, एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन, और अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए फॉर द सुपरविजन। ये सारे के सारे क्वालिटीज आपके उस पर्सन के अंदर देखी जाती है जो कि पर्सन क्या है, एक सुपरवाइजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब
क्वालिटीज़ के बाद में नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपके क्वालिटीज और सुपरवाइजर जो बड़ा आपका क्वेश्चन था, मेजर जो क्वेश्चन था आपका, है ना, जिसके अंदर अपन देख रहे थे कि जो सुपरविजन क्या है सुपरविजन के, और जो दो ए बी आपका पार्ट में मैंने 6 क्वेश्चन बनाया था, तो ये आपका क्या था सुपरविजन वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, है ना। तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाएगा डेफिनेटली, आपके इस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है सुपरविजन क्वेश्चंस के, ठीक है। ये 3 पार्ट में भी आ सकता है, दो पार्ट में, तो मैंने आपको क्योंकि आपके बाकी के जो क्वेश्चन थे उस बेस पे मैंने ये 2 पार्ट में बनाया, बाकी 3 पार्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, सुपरवाइजर का रोल भी वो पूछ सकता है, अब कुछ भी आपको बस एक पता होना चाहिए कि एक बेस्ट सुपरवाइजर कौन होता है, एक बेस्ट सुपरवाइजर पर्सन कौन होता है, वो पर्सन जो कि हर चीज को मैनेज करके चले, आगे से आगे सोचकर चले, वो एक गुड सुपरविजन पर्सन होता है, ठीक है, गुड सुपरविजन पर्सन होता है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, और उसी बेस पे उस चीज को जो आपका आंसर है उस आंसर को क्या करना है, आपको पुटअप करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, अगला आपका आता है शॉर्ट नोट्स। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन तो आपको एक चीज़ और बता रहा था, है ना, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, और एक और बोल रहा था कि एक क्वेश्चन भी आपका जो इम्पोर्टेंट है आपका इसी के साथ में, हाँ, सुपरविजन और दूसरा इन सर्विस एजुकेशन, दूसरा आपका इन सर्विस एजुकेशन। बेटा क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको केवल 7 क्वेश्चन के बेस पे, बाकी ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन सुपरविजन और इन सर्विस एजुकेशन, इन दोनों में से आपके जो जो ए और बी ऑप्शंस में जो आता है ना, ए और बी जो क्वेश्चन आपके दो मतलब ऑप्शंस के बेस पे जो पुटअप किए जाएंगे उसमें सुपरविजन और या इन सर्विस एजुकेशन, दोनों में से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना ध्यान, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों में से, सुपरविजन और इन सर्विस एजुकेशन। तो सेम इन सर्विस एजुकेशन के अंदर भी वही चीज़ अपन, भाई आप किसी सर्विस के अंदर हो, सर्विस के साथ साथ में रह करके और आप एजुकेशन कंडक्ट करते हो, ठीक है, उसे अपन इन सर्विस एजुकेशन बोलते हैं। अब जो इन सर्विस एजुकेशन है उसके डेफिनेशंस, उसके प्रिंसिपल्स, ठीक है, और टाइप्स, वो सब अपन उस बेस पे, तो ये इन सर्विस जो एजुकेशन है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, सुपरविजन के साथ साथ में, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका लास्ट आपका क्वेश्चन 7th नंबर के शॉर्ट नोट्स, अगला क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और हर शॉर्ट देखो, अब आंसर मेरे देखो, मैंने लिखने का तरीका देखो, मेरा आंसर आपको पुटअप कैसे करना है, आंसर नंबर 7 डाल दिया, पेज अपना नहीं जा रहा है ना, आप यूनिवर्सिटी की कॉपी आती है 40 पेज की आती है, अच्छी तरीके से फिल करोगे तो पूरे 40 के 40 पेज भर पाओगे आप, ठीक है, तरीके के साथ में, है ना, और कोई भी आंसर छूटेगा भी नहीं, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने अच्छी तरीके से फिल किया तो कोई भी आंसर आपका रहेगा भी नहीं, और एक अच्छे मैटर के साथ में आप अपने उस आंसर को पुटअप कर पाओगे। आंसर नंबर 7 शॉर्ट नोट्स डाल दिया, छोड़ दिया बस लाइन, वो पेज लाइन छोड़ दो, इसके बाद में पहला आपका जो पॉइंट है वो डाल दो, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाफ नर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है, स्टाफ नर्स, ये आपका क्वेश्चन है, पहला पॉइंट डाल दिया, अब इतना तो आपको डालना पड़ेगा अगर आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन देना है, और इस टाइप से अगर आप डालोगे ना तो सामने वाला ज़्यादा कुछ पढ़ेगा ही नहीं उसको, अगर आपने सीक्वेंस के बेस पर और अच्छी तो, क्योंकि उसको बस ये चीज़ देखनी होती है कि सामने वाले ने क्वेश्चन, क्योंकि आप 4th ईयर में आ चुके हो बेटा, ध्यान रखना आप 4th ईयर में हो, आप इस साल पास आउट होकर के अगले आप जो नेक्स्ट आपको सेशंस है उसमें आप एक अच्छी हॉस्पिटल के अंदर कहीं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर या प्राइवेट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कहीं पे भी आप एम्प्लॉय हो सकते हो, तो आपको उस चीज़ को लास्ट साल में यही देखा जाता है कि इस पूरी जो कंप्लीट नर्सिंग थी, इस नर्सिंग में इसने किस किस टाइप से क्वेश्चंस को किस टाइप से जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, और किस टाइप से क्वेश्चंस को पुटअप करना सीखा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, है ना। सबसे अब अपन ने शॉर्ट नोट सबसे पहले डाल दें डेफिनेशन, अब डेफिनेशन क्या होती है देखो, किसकी स्टाफ नर्स की, है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन की। ए जॉब डिस्क्रिप्शन इज ए डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब
द जनरल टास्क और अदर रिलेटेड ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पोजिशन, जिस पोजिशन पर वो रहता है। यहाँ अपन स्टाफ नर्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो इस स्टाफ नर्स की पोजिशन पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, ठीक है ना, और जो भी उसकी जनरल टास्क है उस जनरल टास्क को कंप्लीट करना, और अदर रिलेटेड ड्यूटी जो भी उसकी ड्यूटी, जैसे अपने अपनी ड्यूटी अगर हॉस्पिटल बात करें तो पेशेंट की फर्स्ट ऑफ ड्यूटी अपनी होती है पेशेंट केयर, पेशेंट की केयर करना, ये फर्स्ट एंड लास्ट ड्यूटी है आपकी। हर चीज में उठा के देख लो आप, पेशेंट की केयर सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, है ना। तो ये इस चीज़ को आपकी जो ड्यूटी है उस ड्यूटी को कंप्लीट करना, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करना, जिस पोजीशन पे आप हो उस पोजीशन पे, उसे बोलते हैं अपन जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं? जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ, अगर आप यहाँ डाल दो स्टाफ नर्स तो वो हो जाएगा आपका स्टाफ नर्स वाला मैटर, ठीक है। जो स्टाफ नर्स है उस स्टाफ नर्स की पोजीशन पर रहते हुए ऑफ है ये पोजीशन को हटा करके, और यहाँ डाल दो आप स्टाफ नर्स तो वो आ जाएगी पूरी डेफिनेशन आपकी किसकी, जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाफ नर्स की। तो ये ध्यान रखना है आपको, इस टाइप से अपने क्वेश्चन को पुटअप करना है। अगली डेफिनेशन, एक डेफिनेशन क्या कहा, तीन डेफिनेशन, एक डेफिनेशन और देखो। ए जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेटेड डिटेल्स टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के बेस पे, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पे, जॉब ड्यूटीज के बेस पे एंड उसके स्किल्स के बेस पे रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म ए रोल, जो भी वो परफॉर्म रोल परफॉर्म करता है उसे बोलते हैं अपन जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये है कि इसकी डेफिनेशन। तो क्या हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो एक एम्प्लॉयज है, यहाँ बात करें अपन स्टाफ नर्स की, तो जो स्टाफ नर्स है वो स्टाफ नर्स हॉस्पिटल में जॉब जहाँ पे वो काम कर रहा है, जिस हॉस्पिटल में काम कर रही है, जिस हॉस्पिटल में, तो वहाँ रहते हुए अपने ड्यूटीज़ को, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंटेशंस के बेस पे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेस पे, और जो भी उसकी एक जो पोजिशन है उस पोजिशन के बेस पे अपने काम को कम्प्लीट करता है, उसे बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, जॉब डिस्क्रिप्शंस बोलते हैं उसे। तो याद रखना बेटा, ये चीज़ आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, एग्जाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से आपको आंसर पुटअप करना है। नेक्स्ट नर्सिंग, अब देखो पर्सनल जो भी आपके नर्सिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन देख रहे थे, तो उसमें पहले तो अपन सिक्वेंस की बात करें नर्सिंग के अंदर, तो सबसे पहले स्टाफ नर्स, SN, इसके बाद में सीनियर स्टाफ नर्स SSN, सीनियर स्टाफ नर्स, ठीक है, सेकंड नंबर पे। तीसरे बात है नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट फर्स्ट, इसके अंदर हॉस्पिटल बेस पे, है ना, इसमें नर्सिंग स्टाफ नर्स, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ग्रेड सेकंड, फिर नर्सिंग ट्यूटर या क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है, प्रोफेसर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग और पब्लिक हेल्थ नर्स, ये सारे के सारे क्या है, नर्सेज के एक एक पर्सनलिज है, तो यानी कि जो एक नर्सिंग स्टाफ है। अब इसमें अपन देखो ये सिक्वेंस है, बाकी अपन सिक्वेंस बेस पर बात करें तो देखो स्टाफ नर्स, सीनियर स्टाफ नर्स, फिर उसके बाद में आपका नर्सिंग इंचार्ज, वो भी इसी बेस पे, इन पे बनता है। जैसे सीनियर स्टाफ नर्स हुआ, इसमें नहीं दिया, क्यों, क्योंकि जैसे सीनियर स्टाफ नर्स हुआ वो क्या बनेगा, फिर नर्सिंग इंचार्ज बनेगा, बनेगा उस पर्टिकुलर वार्ड का, ठीक है, क्योंकि सीनियर हो गया, सीनियर मतलब उसके उसके अंदर एबिलिटी आएगी, उसके अंदर एक अच्छा गुड परफॉर्मेंस हो गया, एक अच्छी उसके अंदर नॉलेज होगी, तो वो बन गया उस वार्ड का इंचार्ज, बन गया इंचार्ज। अब जैसे इंचार्ज बना, इंचार्ज बनने के बाद में फिर उसे एक अच्छी नॉलेज आ जाती है, तो वो हर वार्ड को भी क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, तो क्या बन गया, नर्सिंग सुपरवाइजर, जो अपन पढ़ रहे थे अभी, क्या बन गया, ये सब इससे बना, सीनियर नर्सिंग स्टाफ से नर्सिंग सुपरवाइजर बन गया, बन गया नर्सिंग सुपरवाइजर। अब जैसे ही नर्सिंग सुपरवाइजर बना और एक अच्छी नॉलेज के साथ में 3-4 साल का बढ़िया एक्सपीरियंस हो गया, तो बन जाता है फिर वो नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट, पहले तो DNS आता है और DNS के बाद में फिर NS बनता है, नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट NS। तो ये प्रोसेस होती है पूरी कंप्लीट आपकी, ठीक है, स्टाफ नर्स से सीनियर स्टाफ नर्स, फिर इसके बाद है आपका नर्सिंग सुपरवाइजर, मतलब नर्सिंग इंचार्ज बेड जो आपका जो वार्ड इंचार्ज, फिर सुपरवाइजर, फिर DNS, फिर इसके बाद में नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट NS, डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट और नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट। इस टाइप से जो स्टाफ होता है उस स्टाफ का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, इस टाइप से आपका अरेंज जो स्टाफ है वो एक नर्सिंग
पर्सनल्स के अंदर देखा जाता है। अब बात करते हैं अपन स्टाफ नर्स की, क्योंकि अपन से यहाँ पे रोल शॉर्ट नोट्स के अंदर क्या पता जॉब स्टाफ नर्स का जॉब डिस्क्रिप्शन से पूछा था, तो आप बात करते हैं अपन स्टाफ नर्स के जॉब डिस्क्रिप्शन के। देखो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल के अंदर प्री यूनिवर्सिटी कोर्स होना चाहिए, चाहे वो GNM हो या BSc हो, GNM हो या BSc नर्सिंग हो या MSc नर्सिंग हो, बाकी ऊपर तो फिर जितने भी आपके नर्सिंग से रिलेटेड कोर्स है वो सब कंप्लीट, ठीक है, बाकी GNM, BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग हो। प्रोफेशनल्स की बात करें तो 3 ईयर जनरल नर्सिंग के अंदर होना चाहिए, है ना, और साइकेटिक नर्सिंग डिप्लोमा जो वो तो फिर अलग अलग बेस पे मेरे कहना है, आप जनरली अपन जनरल आपके जनरल नर्सिंग BSc नर्सिंग ये चीज़ होनी चाहिए, बाकी तो फिर जो जो डिप्लोमा कर रखा अलग अलग बेस पे तो वो आपका इसी के अंदर कंसिडर्ड होता है। नेक्स्ट रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए INC MNC रेस्पेक्टेड स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ड्यूटीज की बात करते हैं तो एक डायरेक्ट पेशेंट केयर वाला पर्सन होना चाहिए, दूसरा बार्ड यूनिटी मैनेजमेंट वाला होना चाहिए, एक ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट वाला पर्सन होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रूम वाला पर्सन, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ साइकेट्रिक यूनिट और एजुकेशनल फंक्शंस, मतलब हर तरीके से जहाँ पे भी वो काम कर रहा है वहाँ डेडिकेटेड के साथ में एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी ड्यूटीज़ को रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर रहा है निभा रहा है, तो ये चीज़ उसके अंदर देखी जाती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो ये आपका पहला पॉइंट था जो आपके जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टाफ नर्स वाला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला जो आपका सेकंड है टाइप वो है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। सेकंड जो अपन टाइप देख रहे वो है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग बात करें तो मतलब एक पर्सन है, है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग कहता है कि एक पर्सन है जो किसी भी ग्रुप का, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है, या आपके हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे किसी कोई मतलब कंपनी है उस कंपनी के अंदर हो, ठीक है, कोई फैक्ट्री के अंदर हो, उस कंपनी के अंदर जो ग्रुप है उस ग्रुप का क्या होता है, वो एक लीडर होता है, क्या होता है, लीडर होता है, और लीडर मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। अब वो लीडर क्या करता है, कलेक्टिव कोई भी चीज़ है जो अपनी कोई भी बातें है या कोई भी उस इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, कुछ जिम्मेदारीज वगैरह है या फिर कुछ भी कोई नई चीज़ रूल रेगुलेशन फॉलोअप करवाना है, जो भी चीज़ है उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या करता है वो लीडर, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग करता है, एक मतलब विद डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है अपने मालिक या अपने जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंदर जो भी अपना हेड है उस हेड को, और उसके अकॉर्डिंग फिर जो भी उनकी बातें उन बातों को वो वहाँ पर जा कर के बताता है विद डॉक्यूमेंटेशन के, सर ये हमारी डिमांड है, ये प्रॉब्लम चल रही है, ये दिक्कत है यहाँ पे जो भी चीज़ है और ये हमें डिमांडेबल चीज़ है, तो वो पर्सन क्या वो जो चीज़ आपकी जो एक विद डॉक्यूमेंटेशन जो डिस्कशन होता है वो डिस्कशन किसके अंदर आता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर, किसके अंदर आता है आपका कलेक्टिंग बार्गेनिंग, इसके अंदर आपका कोई भी सौजेबाजी भी हो सकती है, ठीक है, जो भी आपका ग्रुप के अंदर जो भी कुछ नया कुछ चीज़ ली आपने खरीदे जो आपकी सौजेबाजी जो हो सकती है तो वो भी आपके इस कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर कंडक्ट की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन, हर चीज़ का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है ना, इंट्रोडक्शन देखो, द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस वेरी लेट इन इंडिया एज द ट्रेड यूनियंस वर फाउंड ओनली इन 20th century, 20th century के अंदर आया था। द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग अटेंड सिग्निफिकेंस ओनली आफ्टर 1960, कब आया था ये, 1962 के बाद में, आफ्टर 1960 के बाद में आया था। द फ्रेज कलेक्टिव बार्गेनिंग इज सेड टू बी कॉइंड बाई जो आपका सिडनी एंड बैटरिस, जो भी आपके मतलब सिडनी और बैटरिस के अंदर क्या सबसे पहले आपकी देखी गई थी कलेक्टिव बार्गेनिंग, इसके बाद में जो जो बार्गेनिंग विच टू वर्ड्स कलेक्टिव विच मीन्स ग्रुप एंड बार्गेनिंग विच मीन्स प्रपोजल, अभी मैं जैसे बताया था कलेक्टिव मतलब ग्रुप, ठीक है, और बार्गेनिंग का मतलब प्रपोजल, अभी जैसे बताया ना प्रपोजल PRO, तो किसी भी पर्सन के द्वारा जो ग्रुप है उस ग्रुप के द्वारा क्या एक प्रपोजल
तैयार किया जाता है, ठीक है। एंड सो इट इज ए प्रोसेस इन विच द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड अटेम्प्ट टू न्यूजिएट ए कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट विच इज ए स्पेसिफिक द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट और यूनियन रिलेशनशिप। अभी जैसे पूरा बताया था, किसी भी एम्प्लॉयज के बेस पे, किसी भी आपके यूनियन के बेस पे एक पर्सन वो क्या करता है, एक ग्रुप के अंदर भी, एक लीडर के बेस पे भी क्या कर सकता है, हर चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन, लेकिन इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन हर प्रोसेस को विद डॉक्यूमेंटेशन कंडक्ट किया जाता है, उसे बोलते हैं अपने कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई होप समझ में आ गई होगी डेफिनेशन, सिंपल देखो डेफिनेशन कहता है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एन एग्रीमेंट, ठीक है, विद डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट मतलब डॉक्यूमेंटेशन बिटवीन ए सिंगल एम्प्लॉयर, सिंगल एम्प्लॉयर कोई एक पर्सन, जैसे मैं बताया ग्रुप के अंदर कोई भी एक पर्सन भी हो सकता है, और एन एसोसिएशन, एक एसोसिएशन के बीच में ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑफ वन हैंड एंड ए लेबर यूनियन ऑफ द अदर्स विच रेगुलेट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि क्या करता है, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस है एम्प्लॉयमेंट्स के, उस टर्म्स एंड कंडीशंस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कोई भी डिमांड है उस डिमांड को भी रिप्रेजेंट करता है, वो होता है आपका क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है मे बी इस साल आ भी जाए बेटा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। सबसे फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो कलेक्टिव होना चाहिए, एक अच्छा गुड स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए, है ना, आपका जो कलेक्टिव वो अच्छे कलेक्टिव कंडीशन होना चाहिए, एक अच्छे स्ट्रेंथ होना चाहिए, वॉलेंट्री होना चाहिए, एक अच्छा फॉर्मल बेस पे होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट वाला होना चाहिए, है ना, और नेक्स्ट एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, भाई अच्छा रिप्रेजेंट करोगे तभी तो सामने वालों को समझ में आएगा, तो गुड रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, एक डायनेमिक बेस पे होना चाहिए और कंटिन्यूस बेस पे होना चाहिए, और जो भी आपका जो भी बायपार्टाइट प्रोसेस है जिसके बेस पे जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है वो क्या क्या करे, अपनी जो भी बातें हैं, जो भी उनकी डिमांड चीज है, उन टीम को वो क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। तो ये सब की सब क्या है, आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग के करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, टोटल ये आपके करेक्टरिस्टिक्स जिसके बेस पे आप कलेक्टिव कंप्लीट, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है उसके प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस के अंदर देखो प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले एक जो आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो कैसे होना चाहिए, नेगोशिएशंस होना चाहिए, नेगोशिएशंस के बेस पे होना चाहिए, मतलब कि एक अच्छा मोल भाव वाला, एक अच्छा तोल मोल वाला होना चाहिए, नेगोशिएशन मतलब एक अच्छा मोल भाव, एक अच्छा स्टेप्स होना चाहिए, ताकि हर चीज़ को जब आप रिप्रेजेंट करो तो सामने वाले के समझ में भी आए और सामने वाला उसके प्रति एक्शन भी ले सके, तो एक अच्छा तोल मोल वाला होना चाहिए, ठीक है, नेगोशिएशन के बेस पे अच्छा यूनिक क्लेम होना चाहिए, दूसरा एक अच्छा मैनेजमेंट प्रपोजल होना चाहिए, है ना, थर्ड पार्टी रेफरल होना चाहिए अदर पर्सन के बेस पे भी, और नेक्स्ट आपका कलेक्टिव एग्रीमेंट होना चाहिए, तब जा करके फिर आपका जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। और इस कंप्लीट प्रोसेस के बेस पे फिर आप क्या करते हो, जो आपके डिमांडेबल चीज़ है, डिमांड जो भी है आपका, उस डिमांड को कंप्लीट करवाते हो। तो ये आपके क्या है, ये आपके प्रोसेस है कलेक्टिव बार्गेनिंग के, जिस बेस पे आप अपनी जो, ठीक है, ये अपन ने डिस्कस अभी बताया था मैंने आपको प्रोसेस, तो ये आपके प्रोसेस है। अगला एक एक के बारे में फिर डिफाइन किया है इन्होंने, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगला आपका आ जाता है क्वेश्चंस, अगला टाइप एक्रीडेशंस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस साल आएगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, डेफिनेट आएगा, ठीक है। अब 99%, अब बाकी 1% तो यूनिवर्सिटी के हाथ में, लेकिन मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा, ठीक है। एक्रीडेशंस की बात करें तो एक्रीडेशंस क्या होता है, सबसे पहले वही चीज़, हर चीज़ में मैंने क्या दिया है, इंट्रोडक्शन, आप भी दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, मेरे हर क्वेश्चंस मैंने आपको, आज सातवें क्वेश्चन चल रहे हैं अपना, सातवें के अंदर भी थर्ड पॉइंट में समझा रहा हूँ शॉर्ट नोट्स में, तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन में, कोई एक आध क्वेश्चन होंगे बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, डेफिनेशन, फिर उसके जो भी करेक्टरिस्टिक्स है, फिर उसके जो पर्पज और प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट जो भी है वो सब चीज़ मैंने आपको उस बेस पे समझाता हुआ आया, ठीक है।
तो इंट्रोडक्शन की बात करें, एक्रेडिटेशन जो है वो एक्रेडिटेशन क्या होता है? नॉर्मल एक्रेडिटेशन के बात करें तो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, एक्रेडिटेशन की बात करें तो किसी चीज़ के रिगार्डिंग अपन क्या लेते हैं, एक मान्यता लेते हैं, एक्रेडिट करते हैं कि भाई हाँ जो भी चीज़ आप नई कोई चीज़ सेटअप करते हो, नई चीज़ कोई आप करते हो, तो अपन क्या करते हैं, जो आपका मतलब एम्प्लॉयज जो अपना है वो एम्प्लॉयज़ क्या करता है, एक्रेडिट बनवा के लेकर के आता है, एक मान्यता पत्र बनवा के लेकर आता है, जिसके बेस पे जो अपने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को, जो भी आपके सेटअप है उस सेटअप को क्या करता है, वो कंप्लीट करता है। ठीक है, तो एक्रेडिटेशन क्या हुआ, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन बात करें, एक्रेडिटेशन मींस एन ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन को ऑफिशियल अप्रूवल, अभी मैं बता रहा था वही, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल रिटर्न में जो अप्रूवल आपका आता है वो किसके अंदर देखा जाता है, आपका एक्रेडिटेशन के अंदर। ठीक है, एक्रेडिटेशन मींस द एक्ट ऑफ ग्रेटिंग अप्रूवल टू एन ऑर्गेनाइजेशन बाई एन ऑफिशियल रिव्यू बोर्ड आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन हैज मीट स्पेसिफिक रिटर्न रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड, अच्छे रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड के बेस पे फिर फाइनली अगर उनको सूटेबल लगा कि हाँ जो भी जैसे हॉस्पिटल के अंदर चालू करते हैं अपना ना, जो हॉस्पिटल होता है वो आपका एक जब स्टार्ट करता है सेटअप, अपन स्टार्ट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो पहले अपन को एक्रेडिट लाना पड़ता है कि भाई 50 बेड का हॉस्पिटल है उसको एक्रेडिट है। ठीक है, और वहाँ से फिर जब एक्रेडिट लाते हैं तो उसके बेस पे कि एक जो आपका 5 बेड का आईसीयू है, 10 बेड का आपका नॉर्मल जनरल वार्ड है, 5 बेड का आपका फीमेल वार्ड, तो इस टाइप से अपन क्या करते हैं हर चीज़ को सेटअप करके रखते हैं, और उसी बेस पे फिर जो आपका जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी क्या करती है, अप्रूव करती है कि हाँ भाई जो हॉस्पिटल है वो ठीक है और इसके रिगार्डिंग है, है ना, उसे बोलते हैं अपन एक्रेडिटेशन। नेक्स्ट, अगली बात करते हैं अपन डेफिनेशन की, पहले इंट्रोडक्शन फिर डेफिनेशन। डेफिनेशन समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको क्या है एक्रेडिटेशन। अकॉर्डिंग टू सेल्डन क्या डेफिनेशन है, एक्रेडिटिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी रिकॉग्नाइज ए कॉलेज और यूनिवर्सिटी और ए प्रोग्राम ऑफ स्टडी एज हैव Having met a certain predetermined qualifications and standard, अच्छे स्टैंडर्ड के बेस पे कॉलेज की मान्यता होती है, एक्रेडिटेड होती है मान्यता कि भाई एक गुड एक्रेडिटेड कंडीशन में है कि नहीं, प्रॉपर तरीके से मान्यता प्राप्त कॉलेज है कि नहीं, आप जब भी कॉलेज में एडमिशन जाते हो तो वो चीज़ देखते हो कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं, है ना, कोई भी चीज़ अपन लेके आते हैं तो भी अपन एक ISI का मार्क्स चेक करते हैं कि यार ये गुड एक्रेडिट है कि नहीं, तो हर चीज़ का एक क्या होता है मापक्रम होता है, जिसके बेस पे वो क्या होता है अथॉरिटी उसे क्या करती है, एक ऑथर करती है कि हाँ भाई ये चीज़ एक्रेडिटेड है, ये चीज़ मान्यता प्राप्त है। ठीक है, उसे बोलते हैं अपन एक्रेडिटेशन। और दूसरी डेफिनेशन, ए वॉलेंट्री रिसीवर प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम बाई ए प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा दिया हुआ क्या है, एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। अब बात करते हैं पर्पज की, पर्पज की बात करें तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स बेस पे होना चाहिए, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स होना चाहिए नर्सिंग एजुकेशन के अंदर, इंस्टीट्यूशनल सेल्फ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, और सेफ गार्ड होना चाहिए इंस्टीट्यूशन फ्रॉम सोशल एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल प्रेशर्स के बेस पे, हर तरीके से कैसे होने चाहिए, प्रॉपर सूटेबल होने तब जा करके उसको क्या मिलता है, एक एक्रेडिटेशन मिलता है। नेक्स्ट पर्पज, प्रिस्क्राइब सिलेबस, सब कुछ सिलेबस प्रिस्क्राइब होना चाहिए, ग्रांट रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए इंस्पेक्शन बेस पे, और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, ताकि हर आगे जाकर के रिसर्च बेस पे भी वो इम्प्रूवमेंट अपने जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है उसको वो इम्प्रूवमेंट कर सके, वो होना चाहिए आपके एक्रेडिटेशन के अंदर। फंक्शंस की बात करें एक्रेडिटेशन का, तो प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ हेल्थ सर्विसेज प्रोग्राम, एक अच्छा एक मतलब प्रोटेक्टेबल होना चाहिए। दूसरा, प्रेशर्स द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन होना चाहिए, प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम इल प्रिपेयर्ड, अच्छा एक नर्स है, गुड नर्स कौन सी होती है, गुड नर्स कौन होती है जो कि अपने पेशेंट की गुड केयर कर सके, भाई नर्सिंग का मेन फर्स्ट एंड लास्ट रोल क्या है, एक गुड केयर करना पेशेंट की, है ना, ठीक है, तो वो सब की सब आपके ऑथोराइज होनी चाहिए, ऑथोराइज होना चाहिए ताकि आप किसके बेस पे वो आपके
जो आपके एक्रेडेशन है उसके बेस पे कंडक्ट किया जाता है। तो ये आपके क्या है, एक्रेडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रुप डायनेमिक। अगला टॉपिक है आपका, अगला पॉइंट है ग्रुप डायनेमिक। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से, ग्रुप डायनेमिक। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन बनाए वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके जो इस साल जो एग्जाम में आपके बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप देख लेना। अगर आपने ढंग से आप पढ़ोगे तो बहुत क्वेश्चन आपके इस इन पेपर में से मिलने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्रुप डायनेमिक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेम डायनेमिक मतलब फोर्स। इट रेफर्स टू द फोर्स ऑपरेटिंग इन द ग्रुप। जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर अपन क्या करते हैं, एक अलग ही फोर्स, फोर्सेबल कंडीशन कंडक्ट करके रखते हैं। देखो होता क्या है इसके अंदर, इट्स कंसर्न्ड विद द डायनेमिक इंट्रैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के प्रति इन फेस टू फेस रिलेशनशिप। ठीक है, जो भी आपका जो अपन ग्रुप डायनेमिक बेस पे अपन क्या करते हैं, जो भी आपके इंडिविजुअल है वो क्या करता है, फेस टू फेस जो एक अदर पर्सन उस अदर पर्सन के साथ में क्या करता है, इंट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट एज ए लीडर अंडरस्टैंडिंग द ग्रुप डायनेमिक इज ए एसेंशियल इन ऑर्डर टू बोथ कंपास एंड गाइड द इंडिविजुअल्स विद इन ए ग्रुप फॉर द पर्पज ऑफ सक्सेसफुली एंड इफिशेंटली कंपोजिशन एंड असाइनमेंट। ठीक है, मतलब ग्रुप डायनेमिक के बेस पे एक अच्छा ग्रुप डायनेमिक पर्सन वो होता है जो अपने लीडर के बेस पे, वो इस समय अपन आगे पढ़ते हैं कि लीडरशिप के बेस पे वो हर पर्सन को मैनेज करके चले, हर चीज़ को वो एम्प्लॉयज बेस पे मैनेज करके चले। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन के अंदर देखो इसकी कौन कौन कितनी डेफिनेशन है आपकी। तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले इट इज डेफिनेशन बात करें तो इट इज द सोशल प्रोसेस, वो सोशल प्रोसेस है बाय विच जिसके द्वारा पीपल लोग इंट्रैक्ट फेस टू फेस इन स्मॉल ग्रुप। ठीक है, एक लोग आपस में एक दूसरे के साथ में इंट्रैक्ट होते हैं एक छोटे से ग्रुप के अंदर। ग्रुप डायनेमिक, ग्रुप छोटा सा ग्रुप डायनेमिक जिसमें पर्सन एक दूसरे के साथ में प्रॉपर तरीके से क्या हो, इंट्रैक्ट हो, हर चीज को इंट्रैक्ट करना है। ए ब्रांच ऑफ सोशल साइकोलॉजी, किसकी, सोशल साइकोलॉजी की एक वो ब्रांच है विच स्टडी, जिसके अंदर स्टडी की जाती है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रुप। जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो प्रॉब्लम्स है, भाई अब जो ग्रुप डायनेमिक होगा तो उसके अंदर पर्सन अपने अपने, माना कि 5-7 लोगों का ग्रुप है तो पर्सन अपने अपने जो भी डिमांडेबल चीज़ है या जो भी उनके अंदर कुछ नई प्रोसेस स्टार्ट करनी है जो भी चीज़, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, वो भी फेस टू फेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसके अंदर, ग्रुप डायनेमिक के अंदर देखा जाता है। प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स के अंदर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप मस्ट हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू द ग्रुप। अच्छा स्ट्रॉन्ग सेंस वाला होना चाहिए। चांस जो भी आपके चेंजेस इन वन पार्ट ऑफ द ग्रुप में प्रोड्यूस स्ट्रेस इन अदर पर्सन विच। देखो आज आप एक ग्रुप डायनेमिक पर्सन हो, आज आप एक ग्रुप डायनेमिक पर्सन हो, ये तो सारे आपके से करेक्टरिस्टिक्स है मतलब प्रिंसिपल्स बेस पे है। तो जो एक अच्छा ग्रुप डायनेमिक पर्सन वो होगा जो अपने ग्रुप को साथ में लेकर के चलता है, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, हर एक सिचुएशन को हैंडल करके चलता है, हर एक प्रॉब्लम को हैंडल करके चलता है, हर एक बात पे वो क्या करता है, जो आप ग्रुप के जो अदर मेंबर होते हैं उन अदर मेंबरों की हेल्प भी करता है। तो वो सब आप इसके प्रिंसिपल्स बेस पे देखते हैं अपन। द ग्रुप अराइजेज इन फंक्शंस ऑनिंग टू कॉमन मोटिव्स, एक कॉमन मोटिव्स होता है हर, ठीक है, जो ग्रुप होता है उस ग्रुप का एक कॉमन मोटिव होता है कि हाँ हमें इसके रिगार्डिंग, जैसे 7 लोगों का ग्रुप बना हुआ है एक सोसाइटी के अंदर, उनका एक ही फंक्शन होता है कि भाई अपनी जो सोसाइटी के रिगार्डिंग जो भी नया इंप्रूवमेंट हो सके वो इंप्रूवमेंट अपन को लेके आना है। तो वो सब की सब उनका फंक्शन सेम सिमिलर फंक्शंस के बेस पे वो काम करते हैं। तो ग्रुप डायनेमिक हमेशा सेम सिमिलर फंक्शंस के बेस पे काम किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस, आई मीन इसके आपके प्रिंसिपल्स हुए। इसके बाद में रोल ऑफ नर्स एज ए मैनेजर इन ग्रुप डायनेमिक, जो आप नर्स से है तो वो नर्स किस टाइप से रोल प्ले करती है ग्रुप डायनेमिक के बेस पे इन मैनेजर। ठीक है, रोल ऑफ नर्स मैनेजर इन ग्रुप डायनेमिक, ग्रुप डायनेमिक बेस पे जो आपका रोल ऑफ जो नर्स है, नर्स मैनेजर, वो कैसे काम करता है। तो देखो नॉलेज ऑफ ग्रुप डायनेमिक्स इज नीडेड बाय नर्सेज मैनेजर्स टू इम्प्रूव लीडरशिप कम आपकी जो भी कॉम्पिटेंसीज एंड फैसिलिटीज ग्रुप डिस्कशंस एंड कम्युनिकेशंस। आप
जैसे अपन नॉर्मल बात करें तो आप लोग वार्ड के अंदर जब ड्यूटी होती है तो आप एक इंचार्ज होती है और अपना पूरा जैसे 10 लोगों का स्टाफ होता है, तो वो पूरा 10 स्टाफ जो है वो पूरा ग्रुप डायनेमिक होता है, ठीक है। अब उसके अंदर जो भी डिस्कशंस होता है, जो भी उनका रोल होता है, तो उस बेस पे वो अपने एक अच्छे एक्सपीरियंस के बेस पे, एक अच्छी गुड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बेस पे अपने काम को वो कंप्लीट करते हैं और अपने काम के रिगार्डिंग फिर वो जो जो उनकी जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी को क्या करते हैं वो फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ अपन एक अच्छा मैनेजर, गुड नर्स मैनेजर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रुप आर ए कॉमन फीचर्स ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ ऑल नर्स। अभी मैं बताया था भाई, जितने भी आपके द्वारा सब, जिसमें वही सेम आपके इंचार्ज से लेकर के सीनियर, फिर जूनियर, उनसे भी और जूनियर, तो वो सब के सब ग्रुप में काम करते हैं। अगर किसी जूनियर पे नहीं आता तो सीनियर की हेल्प करता है, मतलब सीनियर उसकी हेल्प करता है, ठीक है, और जिससे जो भी उसका काम है वो एक्सपीरियंस है वो धीरे 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 फिर बढ़ता है। तब अब आज जो एक सीनियर पर्सन है, जो एक सीनियर जिसको 8 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो कैसे सीखता है भाई? सीख के कोई भी सीख के नहीं आता। जैसे जैसे आप काम करते हो, एक्सपीरियंस लेते हो, आप धीरे 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 सीखते हो, है ना। एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलता है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो जिस आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस लोगे आप सीखोगे। आपका जूनियर है, आज आया है, ठीक है, अब लेकिन अब नेक्स्ट आप 2 ईयर बाद देखोगे तो वो अपने जूनियर को सिखाएगा, सेम वो ही है। जितना आप एक्सपीरियंस लोगे, जितना आप सीखोगे, आपने आने वाले उन जो आपके स्टूडेंट्स होंगे, आपके जूनियर होंगे, जूनियरों को आप सिखाओगे, तो वो इस टाइम आपका ग्रुप डायनेमिक बेस पे देखा जाता है, है ना। नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है आपका रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। ये भी आपके फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक हर साल इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस साल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगले साल नहीं आया था, इस बार आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी इस साल, है ना। तो सब जानते हैं रिकॉर्ड क्या होते हैं, रिपोर्ट्स क्या होते हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें, इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, रिकॉर्ड्स आप देख लेना, मैंने एक एक चीज़ में आपको समझा रहा हूँ। रिकॉर्ड्स का होता है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोई भी चीज़ है, ठीक है, उनको आप क्या करते हो विद डॉक्यूमेंटेशन। उसके पेशेंट की बात करें तो पेशेंट के हर एक मतलब कंडीशंस है और जो भी मेडिसिन है उस चीज़ को अपन क्या करते हैं रिकॉर्ड के अंदर बना करके रखते हैं, ठीक है। और जिसके बेस पे जो डॉक्टर है वो डॉक्टर फिर जो भी उसका न्यू मेडिसिन स्टार्ट कर रहा है या फिर कोई नए कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा था, वो सब चीज़ उस रिकॉर्ड के अंदर ऐड किया जाता है, ठीक है। और फिर जब लास्ट में कभी दोबारा देखना होता है तो फिर डॉक्टर पूरी उस फाइल को चेक करके और दोबारा से देख सकता है कि हाँ भाई इसमें ये चीज़ ऐसे ऐसे पेशेंट के साथ में अपन ने ये चीज़ अप्लाई की थी। तो रिकॉर्ड्स बहुत ही हर क्षेत्र में, ये तो चलो अपन नर्सिंग की बात है, बाकी हर क्षेत्र में रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना। आज अपनी बात करें, अपन कॉलेज में पढ़ते हैं, अभी आपके पास में आपके नोट्स सबके रिकॉर्ड एज ए रिकॉर्ड है, ठीक है, सबके नोट्स बने हुए हैं, सबके पास नोट्स है, अब वो आपके रिकॉर्ड है ताकि जब भी आपको पढ़ने अब एग्ज़ाम आएगी, एग्ज़ाम चल रही है, तो आप एग्ज़ाम के अंदर उन रिकॉर्ड के बेस पे अपनी जो तैयारी है वो तैयारी कंप्लीट करते, तो वो सब आपका रिकॉर्ड बेस पे होता है ना। तो ऑल द प्रोफेशनल पर्सन नीड्स टू बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी टू द पब्लिक सिंस नर्सिंग हैज बीन कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन। नर्स नीड टू रिकॉर्ड देयर वर्क ऑन कंप्लीशन। रिकॉर्ड्स आर ए प्रैक्टिकल एंड इंडिस्पेंसिबल एड टू द डॉक्टर, नर्स एंड पैरामेडिकल पर्सनल इन द गिविंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू द क्लाइंट्स, एक अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए। डेफिनेशन की बात करें, अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज ए परमानेंट रिटर्न कम्युनिकेशंस दैट डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू ए क्लाइंट्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ठीक है। हर चीज़ को रिकॉर्ड करके, हर चीज़ को ताकि वो आप कम्युनिकेशंस के बेस पे, रिटर्न के बेस पे, ताकि हर एक पर्सन का जो डेटा है वो डेटा आप कलेक्ट करके रख सको, है ना। तो वो सब चीज़ अपन किसके अंदर देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपके जो रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड्स के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आप पर्पज ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड के पर्पज की बात करें तो पर्पज ऑफ रिकॉर्ड के अंदर अपन क्यों आवश्यकता है, तो सप्लाई डेटा, मैं जैसे बताया था जो भी आपके प्रोग्राम में प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा को आप सप्लाई करने का काम करते हो, है ना। दूसरा,
प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विद डेटा रिक्वायर्ड फॉर द एप्लीकेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिलीज हेल्थ, आपकी फैमिली हेल्थ के रिगार्डिंग जो उनका मतलब इम्प्रूवमेंट के बेस पे वो डेटा कलेक्ट कर रखते हैं अपन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ वर्कर द फैमिली एंड अदर डेवलपमेंट पर्सनल, ठीक है, तो उसके लिए भी अपन रिकॉर्ड तैयार करके रखते हैं, इफेक्टिव हेल्थ रिकॉर्ड्स सो द हेल्थ प्रॉब्लम्स इन द फैमिली एंड अदर, बिल्कुल भाई अगर आपके पास में प्रॉपर तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा तो आप अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके हेल्थ रिगार्डिंग भी आप उस चीज़ के बेस पे क्या कर सकते हो, जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को देख सकते हो, इंडिकेट प्लान फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के प्लान के लिए, हेल्प इन द रिसर्च फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ नर्सिंग केयर, उसके लिए भी आपका रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिकॉर्ड्स राइटिंग, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, तो प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल्स के अंदर आपके नर्सेज शुड डेवलप देयर ऑन मेथड ऑफ एक्सप्रेशंस एंड फॉर्म इन रिकॉर्ड राइटिंग, है ना। दूसरा नेक्स्ट रिटन क्लियरली एप्रेटली एंड एडिक्वेटली, हर चीज़ को आपको प्रॉपरली सही तरीके से ढंग से एक चीज़ को आपको रिटर्न करना है ताकि जब आप वापस से उसको मतलब रिवाइज करो, दोबारा पढ़ो तो ताकि आपको हर चीज़ समझ में जाए, हाँ ये चीज़ ऐसे होती है, ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। कंटेंट फैक्ट्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन कन्वर्सेशन एक्शन सेलेक्ट रिलीवेंट फैक्ट्स एंड रिकॉर्डिंग शुड बी नेट कंप्लीटेड एंड यूनिफॉर्म बेस पर होना चाहिए। वैल्यूएबल लीगल डॉक्यूमेंटेशन सो इट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली एंड अकाउंटेड, तो ये सब चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। नर्सिंग रिपोर्ट्स, अब ये तो आगे पर रिकॉर्ड, अगली बात करते हैं नर्सिंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स कैन बी कंप्लेंट डेली वीकली मंथली क्वारंटली एंड एनुअली, हर तरीके की अपन रिपोर्ट्स को क्या करते हैं सेव करके रखते हैं, जिसमें डेली भी रिपोर्ट हो सकती है आपकी, ठीक है, आपकी वीकली रिपोर्ट, आपकी मंथली, आपकी सिक्स मंथली और आपकी साल भर की जो जितने भी आपकी जो रिपोर्ट्स हो, रिपोर्ट्स को अपन क्या कर सकते हैं मेंटेन करें। रिपोर्ट समराइज द सर्विसेज ऑफ द नर्स एंड और द एजेंसी, रिपोर्ट्स में भी इन द फॉर्म ऑफ एन एनालिसिस ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज, एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, जो भी पर्सन उस पर्सन की प्रॉब्लम क्या है उसको एनालिसिस करने के लिए अपन रिपोर्ट करवाते हैं ना, तो दीज आर बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्ड एंड सो इट इज रिलीवेंट फॉर द नर्सेज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग देयर डेली केस सर्विसेज एंड एक्टिविटीज, ठीक है, उसके रिगार्डिंग अपन क्या करते हैं रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिपोर्ट्स की बात करें तो एक गुड रिपोर्ट सेव डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एंड इलिमिनेट द नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन टू लर्न द फैक्ट्स एंड द सिचुएशन, हर सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास में प्रॉपर रिपोर्ट्स है तो आप हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से उसकी दोबारा से स्टडी करके और जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का आप क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट फुल रिपोर्ट्स ऑफन जो भी आपके एम्बरेसमेंट है ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ सिचुएशन उस सिचुएशन को आप देख सकते हो, पेशेंट भी बेटर केयर आप एक अच्छे केयर भी आप प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। इट हेल्प्स इन एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द वार्ड, एक अच्छे मैनेजमेंट का भी काम करता है आपका रिपोर्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो द पेशेंट हैज ए राइट टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी द रिकॉर्ड आफ्टर बींग डिस्चार्ज, बिल्कुल ठीक है। अगर पर्सन आप ओरिजिनल नहीं दो तो उसको जब आप कॉपी देते हैं अपन, ठीक है, तो उस कॉपी के बेस पे उसकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में आफ्टर डिस्चार्ज उस प्रॉब्लम के बारे में उसको पता है कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ में हुई थी और इसमें ये चीज़ दिक्कत है, या फिर जो भी आपके आप इन्वेस्टिगेशन से करवाते हो वो सब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, चाहे ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे आपके एक्सरे हो, चाहे आप रेडियोलॉजिकल कोई भी आप करवा रहे हो, CT MR जो भी है वो सब चीज़ आपके इसके अंदर रिपोर्ट्स के अंदर कंडक्ट की जाती है। मेडिकल रिकॉर्ड मस्ट बी एक्यूरेट टू प्रोवाइड ए साउंड बेसिस फॉर केयर प्लानिंग, एरर्स इन नर्सिंग चार्टिंग मस्ट बी करेक्टेड प्रॉम्प्टली इन मैनर दैट लीव्स एंड डाउट अबाउट द फैक्ट, जो भी डाउट है डाउट को भी अपन क्लियर करने के लिए यूज में लेते हैं। नर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है। अगला लास्ट आपका टॉपिक है INC, नर्स आपके INC आपका जो अपनी इस मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है आपका INC, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, हर 2 साल के अंदर हर 2 ईयर के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता है, आप
देख लेना, 2-3 साल के अंदर रिपीट होता है, आपके पेपर में उठा के देख लो, INC के बारे में पूछता है वो, ठीक है। INC क्या है, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC क्या है बात करें अपन तो, आप क्यों अपन पढ़ते हैं INC के बारे में मैनेजमेंट में, तो देखो द इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर क्या काम के अंडर काम करने वाली क्या है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाज कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, किसके अंडर, सेक्शन 3 के अंदर ऑफ द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 के बेस पे, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ, यानी नर्सिंग के रिगार्डिंग जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है, नर्सिंग के रिगार्डिंग जो भी पूरा सूटेबल आपका यहाँ क्यूरिकुलम से लेकर के आपके पूरे पाठ्यक्रम क्यूरिकुलम से लेकर के और आपके ड्रेस कोड्स, आपके आपका जो भी पूरा नर्सिंग का मैटर जो होता है वो आपके INC बेस पे कंडक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947 क्या है, तो एक्ट नंबर ऑफ ईयर एक्ट नंबर 48/97 को जो है वो आपका डेट 31 December 1947 के को आपको कंडक्ट किया था, है ना। एक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, तो देखो एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा, टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर नर्सेज मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर, इन सब क्या जो भी रिकॉर्ड्स है वो सब किसके द्वारा, INC के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट इट इज एनेक्टेड विद 17 सेक्शन एंड ईच सेक्शन पॉइंट आउट द स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव रोल ऑफ काउंसिल, ठीक है। तो ये सब की सब आपका किसके द्वारा देखा जाता है, आपके INC बेस पे देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फंक्शंस ऑफ INC के फंक्शन क्या है, तो अगला अपन देखते हैं फंक्शन ऑफ INC। फंक्शन के अंदर देखो, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन के अंदर आपके INC उसका देखो फंक्शन, सबसे पहला रिकॉग्नाइजिंग नर्स एज ए सेपरेट ब्रांच इन हेल्थ सर्विसेज के अंदर, नर्सिंग जो स्टाफ है उसको जो एक अलग ब्रांच जो दिया है वो किसके द्वारा दी गई थी, INC के द्वारा। दूसरा रेगुलेट नर्सिंग ट्रेनिंग एंड सीट यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द नर्सेज थ्रू आउट द कंट्री, ये भी किसके द्वारा दिया गया था, आपका जो भी आपकी ट्रेनिंग, आपकी सीट, यूनिफॉर्म, वो सब की सब INC के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्ट सिलेबस फॉर ऑल नर्सिंग पर प्रोग्राम्स, मैंने बताया था आपको, आप क्यूरिकुलम्स को भी कौन देखता है, INC देखता है। नेक्स्ट फंक्शन परमिट्स टाइटल वेड्स एंड यूनिफॉर्म्स फॉर रजिस्टर्ड नर्सेज, तो वो सब चीज़ भी आपको इस किसके बेस पे, INC के बेस पे देखते हैं। विड्रॉल ऑफ जो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, तो कि भाई किसको परमिशन देनी है, किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी, वो सब चीज़ भी आपके किसके द्वारा देखी जाती है, INC के द्वारा। नेक्स्ट टू रेगुलेट नर्सिंग प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, वो भी आपके INC के द्वारा देखा जाता है। पावर टू मेक रेगुलेशंस वो भी आपका INC देखता है। मेंटेनेंस ऑफ इंडियन नर्सेज रजिस्टर्स वो भी आपका INC देखता है। और इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग, जितने भी कॉलेज ऑफ स्कूल नर्सिंग है आपके, ठीक है, कॉलेजेस हैं, स्कूल है GNM के, उन सब को भी किसके द्वारा इंस्पेक्शन किया जाता है, INC के द्वारा। तो ये सारे के सारे आपका INC के फंक्शन है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये आपके मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। मैंने ये जो क्वेश्चंस आपको बताया वो पूरे हर तरीके से पेपर को देख करके, हर तरीके से मैनेज करके फिर आपको ये सारे क्वेश्चन, इसमें से आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अच्छी तरह ढंग से पढ़ाई करो, बढ़िया पढ़ाई करो अच्छी तरह, और जो आपको मैंने क्वेश्चंस पुटअप करने का जो तरीका बताया, आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैंने आपको जो सीक्वेंस में बताया, उस सीक्वेंस को ध्यान रखना, मैंने तो केवल आपको सीक्वेंस बेस पे बता रहा हूं, ठीक है, बाकी इनके अंदर भी आपको लिखना है, मैं तो केवल एक सीक्वेंस बता रहा हूं कि इस सीक्वेंस आपको आंसर को पुटअप करना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, बढ़िया मेहनत करो, बढ़िया पढ़ाई करो और अच्छी तैयारी करो।
थैंक यू वेरी मच।